1999, मेरी जिंदगी का सबसे सुनहरा साल। कमान, कहां गया? 155। ये खुशी इसलिए नहीं थी कि हम पास हुए थे, बल्कि इसलिए थी कि हम कॉलेज में जाने वाले थे। कॉलेज जाएंगे, नई नई लड़कियों से दोस्ती करेंगे, भला इससे अच्छा और क्या हो सकता है। हमारे स्कूल की लड़कियां तो बहनजी टाइप की थी, देखते देखते बोर हो गए थे। न्यू एडमिशन्स के साथ मिले नए कमीने दोस्त, तो इस तरह शुरुआत हुई मेरे कॉलेज के पहले दिन की। अरे आजा मेरे यार, आया नहीं क्या? आजा, कौन है? ये तो बहनजी टाइप है। इनसे अच्छी तो हमारे स्कूल में थी। लगता है अब साल भर इनको ही झेलना पड़ेगा। जिंदगी बर्बाद। हाय, मैं चंपकलाल। चिक चिक रोशन। अबे ये क्या, अटेंडेंस भी शुरू हो गया? मतलब साल भर हमें यही बहनजी टाइप शक्ल दिखनी पड़ेगी? नहीं रवि, अगर इस क्लास में किसी से दोस्ती की है तो तोड़ लो, तुम्हारी क्लास बगल में है। देखो मेरे पास ये बिस्किट है। मेरे पास पेंसिल है और ये पुश बटन वाला पेंसिल बॉक्स भी है और ये रबर भी है। पर बिस्किट तो नहीं है ना? नहीं है। ये ले। ए, तू हमेशा मेरा दोस्त रहना। हाँ ठीक है, तू जा मेरे भाई, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। मनी, मैं तेरा वेट कर रहा हूँ। टेंशन मत ले, मैं कोई जुदा नहीं कर सकता। कसम है, जरूर आना। ए रुक, मैं आ रहा हूँ। ये दोस्त नहीं छोड़ेंगे। ए हट, मेरा दोस्त मेरे को बुला रहा है। एक वादा किया है, तोड़ना मत। अरे जाने देना, उसकी उंगली बुला रही है। माय नेम इज निकिता। एक्सक्यूज मी मैम। फादर्स नेम इज कृष्णमूर्ति। ही वर्क्स इन HDFS बैंक। ही इज द ब्रांच मैनेजर ऑफ द बैंक। माय मदर्स नेम इज सत्या एंड शी इज अ हाउसवाइफ, होममेकर, एंड आई लिव इन मधुरक्कम। मधुरक्कम? कैसे पता यही तेरा ससुराल है? मैडम का अटेंडेंस रजिस्टर वो जादुई पोटली है जहाँ सारे एड्रेस मिल जाते हैं। इस पे दिखते हैं। ये देख निकिता। पर यहाँ तो उसका एड्रेस नहीं है। क्यों नहीं लिखा? हे देख उसका नंबर नोट कर। 2258-2999, जल्दी लिख। जिंदगी में जिसने कभी अपनी किताब ढंग से नहीं पढ़ी, उसने पूरी फोन डायरेक्टली छान मारी। हाँ, मिल गया। मंजिल तक तो पहुंच गया, लेकिन पुराने और नए नंबर में थोड़ा कंफ्यूजन आ गया। फिर मैंने दिमाग के घोड़े दौड़ाए और अपनी उड़न परी का घर ढूंढ निकाला। एग्जाम में पास फेल के लिए तो मैं कभी श्योर नहीं था, लेकिन यहाँ मैं 101% श्योर था। उसकी माँ पहरेदारी कर रही है। माँ यहाँ है तो वो कहाँ है? अरे उसको जेल में बंद रखा रहेगा। चुप बे मोटे। एक्सक्यूज मी। अरे डोंट डिस्टर्ब। हेलो बोली तेरी कसम। हेलो। हेलो बोली तेरी कसम। हेलो। अबे मोटे, ये तो उसकी माँ। निकल निकल। शक्कर की जगह नमक डाल दिया। ये उसने हाय कहा। तो शादी कब कर रहा है? शादी क्या बात कर रहा है। क्या यार, आई लव यू निकिता। अरे पैसे तो दे। अरे आने तो दे। ये देख, तुझे देख रहा है। रवि से प्यार है तो पलटो ना। देखा, पसंद है।
पांच मिनट तक धूप का सेवन करेंगे, उसके बाद सबकी हड्डियां मजबूत हो जाएंगी। अरे क्या कर रहे? हाय। गेट आउट। ये बेटा रवि, पहले गर्मा गर्म खा ले फिर पढ़ना। थैंक यू बाबा। ये ले रवि, पी ले। ठीक है माँ। लव है। मस्त है। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी वाला बर्थडे निकिता। थैंक यू। थैंक यू। नमस्ते। नमस्ते। बाय लगू मम्मी। अरे आइए ना। अच्छा तो बच्चों, तीन टैक्स यानी करों के नाम बताओ। सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, दिलीप वेंगसरकर। सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, दिलीप वेंगसरकर। मनी तुम तो पूरे कार्टून हो। मनी, टीचर को बता मेरा जोक। अब तेरे निशाने पे लग चुका है, नाम तो मेरा हो गया। तू नाम बाद में कमल है। बाद में दम है, उनके नाम में भी कर आता है। क्या बात है मनी, जोक मस्त था। मेरा जोक सुनाऊंगा। अरे सीरियसली, सच कह रहा हूँ। रवि, कीप साइलेंस। हैं, एचओ बेट। एक मिनट हाँ, प्रिंसिपल को बुलाती हूँ। मिस, मिस। अरे यार, मुझे शर्म आ रही है। दुनिया को जोक सुनाते सुनाते सब मेरे फैन बनते जा रहे हैं, कमाल है। मनी, प्रिंसिपल साहब को भी जोक पसंद आया। मनी, जोक जानदार था। थैंक यू सर, थैंक यू। बाथरूम में जाऊंगा ना तो और लिख के लाऊंगा। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। कीजिए कीजिए। थैंक यू, थैंक यू। जा जा, बेल बज गई। चिकने की निकल गई हवा। वो जोक मेरा था। अरे चली चमेली, कहाँ को चली? माफ कर दो। ये ले। हाँ सही है। देखना, आज प्रपोज कर ही दूंगा। तो करना है। एक्सक्यूज मी, आज नहीं कल बोलूंगा। हटो। हाय। हाय। मैं क्या बोलूं? कल बोलेगा ना? हाँ कल। ये ऊपर वाले मदद कर। उसको प्रपोज करना है। छोड़ दूंगा। मैं डोकरा मूर्ति बना सकता हूँ, सोच रहा था कि सबको बताऊँ। मुझे बहुत पसंद। तुम्हें पसंद है, ले लो ना। नहीं नहीं, थैंक यू। आज मैं अपना कैमरा साथ लाई हूँ, तो क्या मैं इसे तुम सबकी फोटो ले लूँ? अरे पूछ क्या रही हो, खींच लो ना। पूछ जाके खड़े रहे, ना के नहीं आया क्या? अरे सामने से हट। तो कांजा सेठ रोज इधर ही आता है? हाँ बिड़ू, अड्डा है इसका, भज्जी का दीवाना है साला। चाहे भूचाल आए, बारिश आए, जोरों की आंधी आए, पर ये इधर आगे ही रहता है। एक दिन भी छुट्टी नहीं मारता मालूम। पता है काय को? भज्जी कड़क मिलती है और साथ में भज्जी वाली भी। गांजा का बांजा हम तभी बजा सकते हैं जब वो होश में ना हो, और वो बेहोश तभी होता है जब उसकी नजर चंपा की चिकनी कमर पे फिसलने लगती है, जब वो कांदे को काट रही होती है और केले को छील रही होती है। खाली एक ही मिनट के लिए चंपा झुकेली रहती है। कांदे को वो जब कट कट काटती है, केले को जब सट सट छीलती है, उस एक मिनट के इंटरवल में जब वो अंगड़ाई लेती है, तब अपना गांजा गजेड़ी के माफिक सुन्न पड़ जाता है। भाई, 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 मुझे माफ कर दो भाई, मैंने कुछ नहीं किया भाई, कसम से बोल रहा हूँ भाई।
जब वो केले को सट्टा सट्टा छील रही होगी, अब उनके पास सिर्फ एक मिनट होगा गांजा सेठ का गेम बजाने के लिए। उधर वो केला पकड़ के तैयार होगी, इधर हम चाकू पकड़ के अंदर घुसेंगे। तू चंपा के चाकू को फौरन ही हथियार लेना, गांजा के आसपास कोई हथियार नहीं होना मांगता वरना हम गए। और फिर अपन तीनों जाके गांजा के पास बैठ जाएंगे और तू उसके बाद निकालना अपना पर्सनल चाकू और एक ही छटके में खलास। और चंपा हैंडसम, उसके बाद हम सारे सबूत मिटाएंगे और फटाफट वहाँ से रफो चक्कर हो जाएंगे। और भाई अगर मिस हो गया तो? अगर मिस हो गया तो भी चंपा चिल्लाएगी, पूछ क्यों, गांजा को इसका गेम बजाता देखकर। बोल कभी नहीं तो मिस करेगा। नहीं मिस होगा भाई, काट डालूंगा। भाई कल मरना है। फिर क्या, 21वीं सदी का पहला मर्डर अपन लोग करेगा। कल बोलेगा? हाँ फुल फॉर्म में। कल मेरे प्यार का तीर उसके दिल के आर पार होगा। कल नया साल है, 21st सेंचुरी में प्रपोज करने वाला सबसे पहला लवर मैं ही बनूंगा। गिनीज बुक में अपना भी नाम आएगा। कल मैदान में टपरी के पीछे बुलाया उसे। ये सुनना रवि, उसको आई लव यू बोलेगा ना, आप पढ़ाइए ना टीचर, हमारे कान खुले हैं, आप पढ़ाइए। देख तेरा दीवाना तेरा इंतजार कर रहा है। वो देखा गया कमीना। अबे रुक, पहला केला निकालने दे। रेडी हो जा। ये किधर गया? और चंपा सब ठीक है ना? चल बे। यही मौका है चीड़ा। कर दिया कुड़ को पर। क्यों रायता फैला रहा यार? भिड़ो पैंट से निकाल। हाँ निकालता हूँ भाई। केला छोटा हो रहा है बे। जल्दी निकाल, जल्दी निकाल, जल्दी निकाल, जल्दी निकाल। गया। तुम ये मुझे दे रहे हो? तुमने तो कहा था पसंद है। मेरी फैमिली का ट्रेडिशन है कि जो दिल को अच्छा लगता है उसे ये गिफ्ट कर देते हैं। प्लीज रख लो। क्या कर रहा है? टाइम खोटी मत कर, टाइम खोटी मत कर बे। अबे केला कट जाएगा तब निकालेगा, जल्दी निकाल। जब से तुम्हें देखा है मेरी रातों की नींद और दिन का चैन दोनों वेकेशन पर चले गए। दिल में बेस गिटार बज रहे हैं और हार्ट बीट बुलेट ट्रेन की स्पीड से भाग रहे हैं। अब तो दिन में चांद और रात में सूरज नजर आ रहे हैं। बेचैनी बढ़ती जा रही है। मार मार कल्लू, तेल नहीं कमीने। वैसे तुम कुछ कहना चाहते थे ना? नहीं नहीं वो आए आई लव यू। हाँ
जा जल्दी। बता दे रहा हूँ भाग जैसे कुछ रोक कर सब याद है। डाड़ी अरे रुक 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 अरे रुक जा रुक जा किधर घुस रहा है अरे अरे मेरी बात तो सुन अरे वो घर की खेती अरे कभी भी उड़ा सकते मैं सलून में लेके जाऊंगा तेरी दाढ़ी काटूंगा अरे क्यों हेलो मरे हुए अंकल जिंदा हो गए माँ भैया सुरभि रवि मंगलसूत्र कोई जगह हो अरे अरे, अरे तू जगह ही रे और कितना जगेगा जरा मेरी बात ध्यान से सुन तो ले अरे तू ना 19 साल कोमा में था कोमा याद है कचरे के ट्रक ने तेरे को उड़ा दिया था तभी मैं तुझे हॉस्पिटल लेके गया तेरा बहुत खून बह चुका था और तेरे ब्रेन में भी ब्लड सप्लाई कम हो गई थी अब घबराइए मत हम सब तेरे बचने की दुआ कर रहे थे फिर तू हमें बिना बताए कोमा में चला गया हमें लगा तू कुछ ही दिनों में कोमा से लौट आएगा पर कई महीने बीत गए तू तो नहीं आया पर हॉस्पिटल का लंबा चौड़ा बिल हाथ में आ गया तुझे घर लाया और चींटियों के साथ साथ घर की नौकरानी से भी बचाया मेरे दोस्त की जान लेना चाहती है झाड़ू नहीं मारने का बोला ना मैं तेरी महीने की पगार काट दूंगा अगर उसको चींटी काटी तो चल निकल यहाँ से हाँ क्या कर रही है चल भाग यहाँ से तेरे लिए कछुआ छाप मॉर्टिन सब लगाया ताकि तुझे मच्छर ना काटे बचे हुए मच्छर बैडमिंटन से मैं खुद मारता था तुझे गर्म पानी से नहलाता था तुझे पाउडर लगाता था तेरा डायपर भी चेंज करता था धोते धोते मेरे हाथ तक छिल गए मैं तुझे देखता था फिर न्यूज़पेपर पढ़ता था तुझे देखता था फिर न्यूज़पेपर पढ़ता था फिर से तुझे देखता था फिर न्यूज़पेपर पर एक दिन मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मैं वो टायर नहीं देख पाया काश वो चींटी बहुत पहले ही आ जाती तो तू जाग जाता कितने कितने दिनों से मैं कोमा में था दो दो नहीं चार चार चौक 16 आज पूरे 19 साल कंप्लीट हो गए 19 साल हो गए यानी मैं 35 साल का मनी ये कौन सा साल चल रहा है 2019 ऐसा कैसे हो गया तू सच कह रहा है ना अरे हाँ रे बाबा रुक तुझे विश्वास नहीं हो रहा ना भाइयों मैं सत्ता में आया तो अमेज़न नदी को भारत की नदियों से मिला दूंगा जो पानी की कमी से नहा नहीं पाते हैं 20वीं शताब्दी में वो भी नहाने लग जाएंगे ये तो 2000 की न्यूज़ चल रही है तू झूठ बोल रहा है मुझसे उल्लू बना रहा है अरे ये तो रिपीट टेलीकास्ट चल रहा है ये देखिए देख
अरे मोदी मोदी साहब आ गए, पुराने 500 और 1000 के नोट इस इंसान ने बंद करवा दिए। ये हैं हमारे प्रधानमंत्री जिनको करप्शन हटाने की बहुत ज्यादा ही जल्दी थी। तुझे कैसे पता होगा, तू तो कोमा में था। तुम्हारी शादी किससे हुई? रवि किससे हुई? जीजा जी को देखना चाहता हूँ। रवि लगता है वापस कोमा में जा रहा है। ये कैसे हुआ? मैंने तेरा वाला जोक सुनाया था। सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, दिलीप वेंगसरकर, थैंक यू थैंक यू, अच्छा लगा, थैंक यू थैंक यू। हो गया ना, इसको जोक इतना अच्छा लगा कि मुझे हस्बैंड बना लिया। पापा, क्या बेटा? छोटू को चींटी काट रही है। तो जा फिनेल से धो ले। यार धो रहा है। अरे बोलो ना, चल भाग यहाँ से, सुबह से पकड़ के खुजा रहा है। पापा, पापा नहीं दिख रहे। पापा वो तो 8 साल पहले ही। मम्मी भी? जी जी, माँ है ना, वो सास बहू की कहानी देख रही है, मैं उसको ले आता हूँ। आऊ ना माँ। रवि, अरे रवि, मुझे डर लग रहा है, डर लग रहा है मुझे, ठीक हो गया? मैं डर रहा हूँ माँ, ये क्या हो गया माँ? क्या हुआ? घबरा मत बेटा, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूँ ना। उठाएंगे, तुम्हें समझना चाहिए, महंगाई दिन पर दिन पॉल्यूशन की तरह बढ़ती जा रही है। पॉल्यूशन पॉल्यूशन पॉल्यूशन, ये बात नहीं है प्रवीण। तो क्या बात है? ये बकवास सीरियल अभी तक चल रहा है। मैंने सिचुएशन संभाल ली। अयो क्या बात है? अरे कोई तो बचाओ, सब मर गए क्या? लेफ्ट ले, अबे राइट ले ले, राइट ले ले, अबे बाल की दुकान दिमाग में भेज जाए कि नहीं, बोलना नहीं आता समझी? कहते अरे मार मार मार, एक और तो सुना दिया कि नहीं, मम्मी बुला रही है। इसको स्काई की तरफ ऊपर करोगे तो लॉक खुल जाएगा। ओ, तो इसमें भी लॉक लगता है? यही तो मैजिक है। मेरा खाना मत लगाना, लता दाई के घर श्राद्ध का खाना खा के ही आ रहा हूँ। मैं भी तैयार होके आता हूँ। इधर आ, व्हाट्सएप, इसी पे श्राद्ध का इनविटेशन मिला था। देख क्या रहा है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, तेरे टाइम कबूतर संदेशा ले जाता था, अब ये पहुंचाता है। अच्छा डॉक्टर के पास जाना है चेकअप के लिए, फटाफट इंसान बन जा, चल, तुझे ट्रिम करना तो आता है ना? हाँ, पापा का रेजर है ना। हाँ तो पापा की तरह शेविंग कर, कपाट में उनके कपड़े पड़े हैं, जरा नाप के देख ले, मुझे लगता है फिट हो जाएंगे, जा जल्दी नहा ले चल। डर गया क्या? अरे ये मेरा बेटा संदीप है, बचपन से साइलेंट मोड पे, तू जा जल्दी तैयार हो जा, डॉक्टर सुबह से इंतजार कर रहे हैं, लेट पहुंचे तो गाली देगा। बॉस मुझे एक दिन की छुट्टी चाहिए, मेरा दोस्त कोमा से बाहर आया है, अभी डॉक्टर के पास लेके जा रहा हूँ, कल आऊंगा तो शुद्ध घी की मिठाई खिलाऊंगा सर। मनी, आई एम रेडी। अबे ऐसे थकेले जैसे जाएगा तो मेरी तो सोसाइटी में नाक कट जाएगी। हे, ये तो जबरदस्त ट्रेंड है, जरा एक बार फिर से कर। बहुत अच्छे, अब चल। शहर में क्या पैसों की बारिश हुई थी या लोगों को अलादीन का चिराग मिल गया?
हर तरफ चमचमाती आलीशान इमारतें बिखरी पड़ी हैं। अबे आप उन इस वक्त अमेरिका में या इंडिया में? अमेरिका? अबे तो अमेरिका नहीं, इंडिया में। अबे ये कीड़े मकोड़ों की तरह इतनी पब्लिक कहाँ से आ गई? बचपन में इतने लोग तो नहीं थे। पॉपुलेशन बड़ा बड़ा के देश का बेड़ा गर्क करके रखा है। ये साइडो साइडो फुटपाथ पर भी गाड़ियां चलने लगी हैं, कुछ दिन में इंसानों पर चलेंगी। ये लड़की लड़के को देखकर कुछ याद आया क्या? मनी निकिता कैसी है? कौन निकिता रे? अब मेरी उड़न परी। तेरी परी? अब तक तो उड़ गई होगी, तेरे लिए बैठी थोड़ी ना रहेगी। राइट में हाथ दिखा। क्या हवा आ रही है। ए सुन, मुझे निकिता से मिलना है। पनौती शुरू। ए तू सुन ही रहा है, मुझे निकिता से मिलना है। ए पागल हो गया क्या? उसका पति देखेगा तो बहुत मारेगा। प्लीज यार, मेरे लिए इतना तो कर सकता है ना? बस एक बार उसके दर्शन करके मैं वापस आ जाऊंगा, इतना कर देना। मुंह का गटर बंद कर रहे। प्लीज मेरा तुम्हारा ही नंबर है। एक्सक्यूज मी सर, गुड मॉर्निंग। उन्नीस साल से सोई मम्मी जाग गई, कमाल हो गया है तो। ओह, मिशन इम्पॉसिबल। बैठो बैठो। इसके बॉडी का नेटवर्क एकदम मस्त हो गया। मेरे इलाज से कैसे ठीक हो गया? बल्ले बल्ले करो, चल शुरू हो जा। अब सायोनारा। अब कथकली। तगड़ 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 तगड़। टिंग करो करो। डॉक्टर, इसकी हड्डियों में जंग लग गया है, मैं करके दिखाता हूँ। ठीक है ले। इसको बोला। गिले 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 आपका। परफेक्ट। अबे इस पागल से ट्रीटमेंट करवा रहा था मेरा। यहाँ का सबसे सस्ता डॉक्टर है। जरा वो टैबलेट देना। टैब ब्रो, टैबलेट नहीं समझता। ये तो फ्लैशबैक में जी रहा है। हेलो कामचोरो। जी डॉक्टर। रवि नाम का एक पेशेंट भेज रहा हूँ। ओके डॉक्टर। उसका अस्थि पंजर चेक करना है। बहुत मोटी चमड़ी है, यमराज भी नहीं बिगाड़ सकता। मेरा साला जो है। अरे रे रे आंटी, बैठ जाइए बैठ जाइए, आराम से आराम से। थैंक यू। साथ में और कोई नहीं आया क्या? मेरा कोई नहीं है, सिर्फ हस्बैंड ही है, पर आज उन्हें कुछ जरूरी काम है। मैं तो गिर ही जाती। अरे नहीं, मैं था ना, कहिए तो पानी लाऊं आपके लिए। रहने तो, मैं ठीक हूं। लेकिन दो बातें याद रखना। कौन सी दो बातें डॉक्टर? पहला, इसके दिमाग का सॉफ्टवेयर पिछले 19 साल से अपडेट नहीं हुआ है। कोई टेंशन है क्या? परेशान दिख रहे हो। मैंने मेरी लाइफ के 19 साल खो दिए, पता नहीं अब क्या होगा मेरा। मैंने 20 साल खोए हैं। 20 सालों तक मैं मां नहीं बन पाई। मुझसे ज्यादा दुख मेरे पति को होता था। बहुत ताने सुने हैं हमने, कहने को ही जिंदा थे, दुख की आदत पड़ गई। लेकिन हमने भगवान में विश्वास रखा और उन्होंने हमारी सुनी। 20 साल के बाद ही सही। जिंदगी में कभी भी निराश मत होना, भगवान जरूर मदद करेंगे। और दूसरी बात, अपडेट नहीं होने से इसके दिमाग का नेटवर्क अक्सर सैटेलाइट कनेक्शन छोड़ सकता है। समझाता हूं। इस चीनी मुर्गी को अलार्म सुनाई नहीं दी, जिसकी वजह से ये 15 मिनट लेट उठा और इंटरव्यू मिस हो गया। अब 15 मिनट में जो इसने खोया ये वापस नहीं पा सकता, इसीलिए ये गुस्से से पागल हो गया और खुद को भी नुकसान पहुंचाने लगा। 15 मिनट के लॉस का ये असर हुआ तो 19 साल के लॉस का क्या असर होगा, तुम सोच सकते हो। कितनी अधूरी इच्छाएं उसके मन में होंगी, गुस्सा, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन जैसी कई फीलिंग्स उसके मन में आएंगी। ऐसे में अगर किसी बात की जिद करे तो ना मत कहना, ठीक है? ठीक है डॉक्टर। कहीं उसे अपनी जिंदगी झंड ना लगने लगे और गुस्से में आके खुद को या फिर अपने दोस्तों को ही, यहाँ तक की पूरी फैमिली को ही। hey!
नहीं, इसे मत मारो, रुक जाओ। अरे रुक जा, रोको, हटो इसको। नहीं खाएगा तो मार दूंगा, जल्दी करो, इंजेक्शन लगाओ। इतना नहीं खा सकता। लगा दो, 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 लगा दो। नॉन स्टॉप रेडियो की तरह बोलती जा रही है। अरे बाप रे, उससे मिलवाएगा या नहीं, या घुसा दूं अंदर? डॉक्टर मान लो वरना। अच्छा ठीक है, तुझे अपने उड़न पर ही देखनी है ना, तो आज तेरे दिल की मुराद पूरी कर ही देता हूँ। फिर भले ही मुझे उसकी टूटी चप्पल की मार ही क्यों ना खानी पड़े, मैं हंसते हंसते खा लूंगा। दोस्ती ये तो झेलना तो पड़ेगा ही। क्या ये? अरे फेसबुक है। मैं तो भूल ही गया था, तेरे टाइम पे सिर्फ जीमेल ही था। अच्छा सुन, ये जो फेसबुक है ना, ये इंटरनेट की दुनिया है। यहाँ दुनिया भर के फोकट के लोग मिलेंगे, जिनको कोई काम नहीं होता है। क्या खा पी रहे हैं, चश्मे का कलर क्या है, सब बकवास की बातें। यहाँ तक कि मरने से पहले लोग अपना सेल्फी तक इस पे पोस्ट करते हैं। अब देखना, यही निकिता का पता लगाएगा। नहीं, मेरी निकिता फोकट का काम नहीं कर रही होगी। तो क्या जो भी इस पे भांगड़ा कर रही है, तेरे को मुझ पे भरोसा है ना? मैं कोई ऐसा सिर ढूंढ रहा हूँ जिस पे मैं अपना बोझा पटक सकूँ, क्योंकि पिछले 19 साल से मैं तेरा बोझा ढोते ढोते थक गया हूँ यार। तुझे मुझ पे बिल्कुल तरस नहीं आता। अब मैं फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर रहा हूँ, तू मुंह का चोच बन करके रिप्लाई का इंतजार कर। अगर एक्सेप्ट करेगी तो तेरी ही जिंदगी। तू ठीक है, दिल पे मत ले, सर्च कर, सर्च। आ गया लाइन पे। पर भाभी का चेहरा तो मैं भूल ही गया, पहचान के लिए कोई दाग है क्या? चांद में दाग है लेकिन उसमें नहीं। मतलब भाभी चिकनी है। सारी चिकनी चमेलियों को ढूंढ के निकालता हूँ। ये देख, मिल्की क्रीम वाली भाभी, और ये देख ये रोज वाली भाभी, और ये गेंदे वाली भाभी। इसका गेंदे का बगीचा है। ये देख, सारी की सारी फूल की डीलर आ गई। मनी 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 मनी, ये देख 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 देख, मेरी निकिता, ये तो वही कॉलेज है जिसमें हम साथ में पढ़ रहे थे, 100% वही है। पर ये अलग क्यों लग रही है? हाँ यार, पहचान भी नहीं आ रही है। हैं? चेक इन फिनिक्स मॉल। अरे रवि रवि, चल चल, चेक इन करिए, चेक इन करिए। चेक इन क्या होता है, क्या बोलना चाहता है? बोले तो कहीं कोई जाता है तो वहाँ की जगह बताता है। हाँ तो इसका दुनिया में ढिंडोरा क्यों पीट रही है? ढिंडोरा पीटने दे, तो ढोलक बजाने दे, तू चल जल्दी, नहीं तो निकल जाएगी। मनी, सारी दुनिया को बता रही कि घर से बाहर निकली है, अगर ये पढ़कर घर में चोर घुस गया तो? मेरे दिमाग में ये टेंशन है कि उसको फिनिक्स मॉल में ढूंढूंगा कैसे, और तू एक ही सवाल पे अटका पड़ा है। अरे मैं उसे गली के मार्केट में भी ढूंढ लेता था, ये मॉल क्या है? क्या? गली का मार्केट। ओह ऐसा क्या? रवि ये देख फिनिक्स मॉल, अपनी चील की नजर से उसको ढूंढना भी। उत्तरी। ए मनी मनी मनी, निकिता वो गाड़ी में जा रही है, देख 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 देख। अरे पक्का भाई है? अरे कौन सी गाड़ी में, बताना, मैं भी दौड़ता हूं। दिमाग खराब है क्या? भाभी मां होती है। अरे एक्सीडेंट हो जाएगा, चलना चलना। अरे अरे वो देखो, गाड़ी जा रही है। चल रहा हूँ रे। अरे निकल जाएगी, जल्दी चलना। हवाई जहाज नहीं, वही गाड़ी क्या? भगा भगा। ए निकिता। अबे सब घर तो एक जैसे ही हैं। हाँ, जेरोक्स मशीन से बने होंगे। पहला घर यही है, मुझे लगता है यहीं पर आई है। ए कूल मैन। ए अभी तो भाभी को खाली देखने आया है ना, और नहीं तो क्या? तो फिर वो नाच गाना मेरा दिल किया, सब ठीक तो है ना? हाँ बाबा ठीक है। चल, घंटी बजते ही चिल्लाए मत कर, तेरा कोई रिश्तेदार नहीं आया। अरे तुम लोग, डॉक्टर कनखजूरा, यहाँ कैसे? हम एक लड़की का पता लगा रहे हैं जो आपके घर में घुसी हुई है। यहाँ पर? हाँ। कौन? निकिता। नाम सुना सुना लगता है, पूरा नाम बताओ। निकिता कृष्णमूर्ति। अरे वो तो मेरी बीवी है। नहीं हो सकता, वो मेरी गर्लफ्रेंड है। नेटवर्क छूट गया क्या? डॉक्टर जो आपकी वाइफ है वो इसकी गर्लफ्रेंड है। क्या? अबे तेरा भी टावर गिर गया क्या? सॉरी सॉरी डॉक्टर, अभी करेक्ट करता हूँ। मेरा मतलब है आपकी वाइफ इसकी लवर नहीं है, बल्कि इसकी जो लवर है वो आपकी वाइफ है। अभी हो गया ना बराबर? बराबर हो गया। डॉक्टर मांगे, दिमाग डिलीट हो गया क्या? पागल हो गया निकिता? तुम लोग अपना क्रॉस कनेक्शन लगा रहे हो? रवि गलतफहमी हुई है, गलतफहमी तेरी तो। अरे रुको, दिल से दिल मिल रहे हैं। अरे रुको यार, अरे क्यों कबाब में हड्डी बन रहे हो भाई? अरे पाप लगेगा आपको, ऐसे ऐसे नहीं कर, थोड़ा अरे रुको, ऐसे नाक नहीं बनना चाहिए दोनों के बीच में। अरे डॉक्टर, अरे अभी अभी कोमा से बाहर आया, आपने तो कहा था उसको यार उसको मना मत करना। सर दोनों को मिल जाने दो ना, दो प्रेमी पंछियों को रोकना नहीं चाहिए, प्यार का बंधन होता है। क्या बोला बे? कौन सा बंधन, किसका बंधन?
जाओ यहाँ से। जिसने चमाट मारा वो आपकी बेटी है? मेरी बेटी है। नहीं एक्चुअली मुझे डाउट हो रहा था। इतने सालों में एक बार भी मेरी याद नहीं आई? याद आई पर मुझे लगा तुम मर चुके हो। तुम्हारे घर वाले तुम्हारा टिकट काटना चाहते थे। भांडा फोड़ रही है। मेरा टिकट काटना चाहते थे? दो बार। किडनी और लिवर ने काम करना बंद कर दिया था। यार मुझसे एक बार पूछ तो सकता था। तू कोमा में था, तेरे से कैसे पूछता? डॉक्टर आप कल्टी मारो, मुझे निकिता से बात करनी है। इधर भी मुंह का गटर चालू। सर ये दोनों कबूतर गुटरगू करना चाहते हैं। चलो तब तक आपको टपरी पे चाय पिलाता हूँ। सॉरी सर, शर्म गई तेल लेने, इधर ही बोल दे। ओ तो तू हमारी प्यार भरी बातें सुनना चाहता है? तुम्हारा क्या जवाब था निकिता? कौन सा? जब मैंने तुमसे आई लव यू कहा था और तुम्हारे दिल में लड्डू फूटने वाले थे, वो फूटे कि नहीं? बोलो बोलो ना। फूटे ना? कोई लड्डू नहीं फूटे थे। मुझे पता है अंकल से डर रही हूँ, अगर इन्हें उठाकर बाहर फेंक दूं तो सच बताओगी? ऐसी कोई बात ही नहीं है। हम दोनों किसी को नजर नहीं आए। ए मनी, नहीं डूब रहे हो क्या? ए अंधारा, तेरा सब कुछ डिलीट कर दूंगा। ए ये क्या नाटक लगा रखा है तुमने? वो इन्फैटुएशन था। देखो मुझसे झूठ मत बोलो, जब प्रपोज किया तो आंख शर्मा रही थी, होंठ मुस्कुरा रहे थे, नाक कह रही थी कुछ कुछ होता है। मेरे सामने तो आज तक नहीं किया ऐसा। अरे मैं इसका लवर हूँ, मुझे पता रहेगा कि तुझे। अरे मेरी बीवी है। इसका लवर मैं हूँ मैं। ये लवर लवर करके दिमाग खराब कर दिया मेरा। मैंने लाइफ में कभी तुमसे प्यार किया ही नहीं। छी, अब निकलो यहाँ से। इतने सालों बाद यहाँ से मुंह उठा के आ गए, पता नहीं हिम्मत कहाँ से आई। अब निकलो यहाँ से। दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई कहां लूटा, मैं यहां लूटा, और तू मेरी बर्बादी के मजे ले रहा है। चलो चल इधर से। कीड़े पड़ेंगे डॉक्टर। आया तो देख लेना। चुप कर, मेरी बीवी का रिश्तेदार आया था। अरे छोड़ ना, क्या टेंशन ले रहा है? तेरे प्यार की एक्सपायरी डेट निकल गई। एक्सपायरी डेट उसकी निकली, मेरी नहीं। मैं आज भी वही मछुआरा हूँ जो बिना जाल के तालाब की चमचमाती मछलियों को फंसा सकता हूँ। अरे तू तो इसमें चैंपियन था। और नहीं तो क्या? मनी तू कॉलेज की बात भूल गया क्या? ऐसे चुटकियों में लड़कियां फंसा सकता हूँ। देखना चाहता है तू? देखना चाहता है तू? हाँ रुक, अभी पटाखे दिखाता हूँ। क्या बात है, क्या बात है? आखिर पुराना सोया हुआ शेर जाग गया, अब पंजा मारेगा। तुझे शिकार कर चलवा। उन्नीस साल से सोया हुआ शेर अभी तक शिकार करना नहीं भूला। जा जा मेरे शेर। बेंजी साइड देना। हाँ यार मैं तो इसको देख के बहुत डर गई थी। एक्सक्यूज मी, टाइम क्या हुआ है? पता है मैं क्रिकेट का चैंपियन। सॉरी बच्चे। अरे कबाब में हड्डी क्या हुआ? दूध पीती बच्ची पे लाइन मारेगा। ए कॉलेज की लड़की को कॉलेज का लड़का ही पटाएगा ना कि और कोई पटाएगा? ए अरे वो ए मनी मनी पीछे से आनी आ रही है। तीन दिन का टाइम दे, कोई ना कोई पटाखा जरूर पड़ जाएगी। अबे पटेगी नहीं, सब साइको किलर बोलेंगे तुझे। चल घर पे। अरे अरे चुपचाप और कान खोल के सुन। अपना कबूतर लेटर लेके जाता है, नई लड़की को गुलाब का फूल पसंद आता है, ये सब पुराना मटेरियल हो गया। श्रीमान आशिक अर्थ हलचल। अच्छा तो ये सब है, अभी तो लेटेस्ट वाली कौन सी है? तूने सपने में भी नहीं सोचा होगा, इसको देख। यहाँ क्या ढूंढ रही हो? मंगलसूत्र। ए अफेयर के लिए मंगलसूत्र छुपा? कुंवारा दिखाने के लिए आजकल बच्चों तक को छुपाया जाता है। होश तो है नहीं तुम्हें। चल दूसरी मूवी दिखा। बदन दिखा रही है। अरे ये कमर वाला सीन तो सबसे कम वल्गर है। अच्छा ऐसा है क्या? ये सबसे कम वल्गर है, ज्यादा वाला दिखा रहे। अब और बर्दाश्त नहीं होता, बेडरूम का है। वहां पर ओ मेरी बाहों में। ये तो दिनदाड़े औरत की इज्जत लूट रहा है। अरे यार आजकल इसी को लव कहते हैं। ए, तू तेरे दिमाग में जो भी सोच रहा है ना, वो टाइम तो चला गया और लोग भी चले गए। बैठ नीचे। देख भाई
अब सब कुछ पहले से फास्ट हो गया है। मैं चाहता हूँ तो उनसे भी सुपर फास्ट हो गया। देना सुपर सोनिक फास्ट। अभी से फास्ट हो गया। देख भाई, तू फास्ट तो बन गया, लेकिन दुनिया वालों के लिए नहीं, समझा? इस जमाने की सबसे अच्छी गुरु बोले तो लड़कियाँ। वो जैसा करती है ना, आंख बंद करके बिल्कुल वैसा ही करना शुरू कर दे, एक्सपर्ट बन जाएगा, तितली भी फंस जाएगी। पर कैसे? चल लैपटॉप में तितलियां ढूंढते हैं। ये देख, शाम मैट्रिमोनी, सोडी मैट्रिमोनी, गोंसाल्विस मैट्रिमोनी। इंडिया में इतनी सारी कास्ट है क्या? लगता है तूने आजकल का न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा। देख भाई, पेपर के पहले पन्ने पर यही सब छपा रहता है। पर भेदभाव करना तो बुरी चीज होती है ना। लगता है घर पे किसी ने बताया नहीं। चल ठीक है, अब हम ऐसी दुनिया में जाएंगे जहाँ पैसे और कास्ट के कोई मायने नहीं है, जिसे कहते हैं दुनिया की हर लड़की अपने लिए फिट है। ये क्या? कोई नहीं है, पूरा का पूरा रेगिस्तान खाली है। यहाँ पर भी कोई नहीं है। तेरा तो बैड लक है रे। यहाँ पर भी नहीं है। मिल गई तेरे सपनों की परी, मिल गई। हैप्पी बर्थडे। देखो क्या लाई हो तुम्हारे। से थैंक यू। ये तो रितिका है, दिव्या की फ्रेंड है। लॉटरी लग गई। बैठ, गांव बसाने भीख मांगना पहले ही शुरू। सबसे पहले तो फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज। तू आइसक्रीम खाएगा क्या? ले चाट ले। फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने के बाद भगवान से प्रार्थना करना कि वो एक्सेप्ट कर ले। एक्सेप्ट कर ले। फिर उसके बाद पेशेंस रखना। मनी, अगर उसका मैसेज आ गया तो क्या बात करूंगा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अबे घोचू, मैसेज का ट्रेंड तो पुराना हो गया, आजकल तो कॉलिंग का जमाना है। कॉल करेगा तो फोन की रिंग बजेगी, कान में घंटी बजेगी, आईज में बिजली चमकेगी, फिर उसके पैर उसे फोन तक ले जाएंगे, वो नाजुक उंगलियों से स्वाइप करेगी और फिर होंठ से बोलेगी, हेलो। पता है फर्स्ट टाइम मैंने तुम्हें बर्थडे पार्टी में देखा था, सबसे अलग दिख रहे थे तुम। सारे गेस्ट अपने फोन में बिजी थे, अकेले तुम ही थे जो बच्चों को टाइम दे रहे थे। मुझे अच्छा लगा, तुम बहुत क्यूट हो। तुम्हें तो देखते ही मैं फ्लैट हो गया था। अच्छा, और तुम्हारी खरगोश जैसी दांतों वाली स्माइल का तो मैं दीवाना हूं। तुम्हारी जैसी लड़कियां अभी तक सिंगल हैं, इसीलिए हम जैसे कुंवारे अभी तक जिंदा हैं। उसके बाद जानना चाहता है। उसके बाद की स्टेज है मीटिंग, और उसके बाद अब मेरा जलवा देख। कूल मैन। क्या यार, कैसा फोन है ये? दोनों तरफ से प्लेन है, सेल्फी कैसे लू? Cool man. Hi. अरे घर में चूहे ज्यादा है या कपड़ों की कमी हो गई है? हर जगह छेद ही छेद। जरूर ये इसे छेदी लाल के कपड़ों की दुकान से लाई है। सब इसे ऐसे घूर रहे हैं जैसे ये पब्लिक प्रॉपर्टी है। अरे नारी, तू नहीं जानती ये दुनिया बहुत है अत्याचारी। हाय। अरे ये क्या कर रही हो? इज्जत को सारे बाजार में नीलाम कर रही हो? क्या कर रहे हो? सब लोग हमें देख रहे हैं यार। अरे आजकल ऐसी जींस फैशन में, इतना बड़ा क्यों बना रहे हो इस बात को? एनीवे, हाय। हाय। फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं तो इस मोमेंट की एक सेल्फी तो बनती है ना। ओके श्योर। ओके रवि, सबसे बड़ी गुरु आजकल की लड़कियां हैं, वो जो करें मना मत करना। ये तो बहुत फास्ट है, मुझे भी सुपर सोनिक फास्ट बनना पड़ेगा। परिंदा भी पर नहीं मारना चाहिए। अरे वो देखो, औरत पर अत्याचार। घटिया इंसान। वाह, चलो बहनों चलो, लड़की की इज्जत पे हाथ डालता है कमीने। ओए लड़की छोड़ दे, रुक, तेरी हिम्मत कैसे हुई? कोई गलती नहीं है। मैंने, मेरी बात तो सुनिए। अरे मैंने, मैंने कोई गलती नहीं की, नहीं मैंने जबरदस्ती नहीं की है। उसने मुझसे केस मांगा था। नहीं नहीं प्लीज मत मारिए, नहीं मेरी कोई गलती नहीं है, प्लीज। एक कमीने को पकड़ा है। दिव्या ये देख, तेरे भाई ने क्या किया? का कोई अधिकार नहीं है। जी चलो घर जाओ।
हम आपको दिखा रहे हैं एक वीडियो जिसमें वहशी दरिंदा सरेआम पब्लिक प्लेस में लड़की को किस कर रहा था। आज नारी कहीं सुरक्षित नहीं है, महिला संगठन धरने दे रही है। नमस्ते। अच्छा, तुम्हारा भाई है। बड़ा मजा आता है ऐसे लड़कियों को किस करने में। इस बार छोड़ रहा हूँ, अगली बार किस किया तो मिस करेगा लाइफ को। बैठो। तुम्हें तो शर्म नहीं आ रही होगी ना? हाँ, पर मुझे बहुत आ रही है। तुम खुद को समझते क्या हो? ये छिछोरापन करने की क्या जरूरत थी? तुम्हें तो सब मजाक लग रहा है ना? हाँ, कोई काम करना चाहते भी हो या फिर तुम ऐसे? पता है मनी तुम्हारे लिए दिन रात मरते रहता है, सिर्फ तुम्हारे लिए। पैसे ना कम पड़ जाए इसलिए डबल शिफ्ट काम करता है। एक मिनट रुको। जानते हो ये क्या है? हमारे घर के डुप्लीकेट पेपर्स, ओरिजिनल पेपर्स नहीं है हमारे पास। जब 19 साल तक जिंदा लाश बनकर लेटे हुए थे ना, तब तुम्हें जिंदा रखने के लिए इस घर को गिरवी रखना पड़ा, और अब हम लोग लोन चुका नहीं पा रहे हैं। किसी भी दिन ये घर हमसे छीन सकता है और हम सड़क पर आ जाएंगे। ये घर हम दोनों का सपना है। हमारे दो बच्चे हैं, हमें उन दोनों का भविष्य बनाना है। इस हालत में सड़कों पर भटकते हुए वो अपना करियर किस तरह बना पाएंगे? और इस बर्बादी का और कोई जिम्मेदार नहीं है, सिर्फ तुम हो। तुम इसे देख रहे हो, जन्म से लेकर आज तक इसने किसी से बात ही नहीं की, पता ही नहीं क्यों। इसे ऐसे देखते तो दिल छलनी हो जाता है। और मेरे पति इसके लिए हर साइकेट्रिस्ट के पास भागते फिरते, सिर्फ इसी उम्मीद में कि ये किसी से बात कर सके। अगर लड़का 20 साल का हो जाए और पेरेंट्स से पैसे मांगे तो शर्म आती है उसे। तुम तो 34 साल के होके फिर भी शर्म नहीं आती। मैं बात कर रही हूँ, इससे बीच में मत बोलिए आप। जानते हो 19 साल से वो तुम्हें क्यों झेल रहे हैं? जानना चाहोगे? हाँ, क्योंकि तुम मेरे भाई हो, बस यही एक वजह है। अब मेहरबानी करो और अपने लिए जॉब ढूंढ लो। पता नहीं तुम कोमा से बाहर ही क्यों निकले। मनी, मेरे लिए लोन लिया लेकिन मुझे ही नहीं बताया। अरे तू तो कोमा में था ना, कैसे बता था? लेकिन ये बात झूठ है कि तू उसका भाई है, इसलिए मैंने ये सब किया। ये मैंने दोस्ती के लिए किया। रो मत पगले। मुझे एक जॉब दिला दे यार। तू फिकर क्यों करता है? कहीं ना कहीं तो चिपका ही दूंगा। कॉलेज के बाद फोटो नहीं खिंचवाई? नहीं सर। क्यों? वो क्या है कि मैं 19 साल से कोमा में था। कोमा? हाँ। ग्रेट, अच्छी बात। ये कोमा कहाँ है? कनाडा में सर, मैं वहाँ जाके आया। अच्छी जगह, अगले हफ्ते मैं भी जाने वाला हूँ। क्यों भाई, शरम वरम बेच खाई है क्या? लोन वापस करो या चुपचाप ये घर खाली करो। भिखारियों की तरह लोन मांगने आ जाते हो, चुकाएगा कौन? अरे चुकाएंगे कहाँ, इन्हें तो हराम की आदत लग गई है। पैसा ले लिया है, अगर नहीं चुकाना है ना तो घर खाली करो, नहीं तो मैं पुलिस थाने जाऊंगा और तुम सबको रोड पे फिकवा दूंगा। अरे हराम की खाने की आदत हो गई है इनकी। सांड के जैसे बैठा है सर, देख क्या रहा है, पैसे वापस कर पे। क्या कहा, तुम स्टैचूज बनाते हो? हां सर। यार मेरे पास तो खुद की 3D मशीन है, मुझे कोई जरूरत नहीं है। जब तक तुम एक मूर्ति बनाओगे तब तक तो मेरी 100 मूर्तियां बन चुकी होंगी। ऑफिस बॉय की जॉब के लिए भी कंप्यूटर आना बहुत जरूरी है और ग्रेजुएशन भी बहुत जरूरी है। तुमने तो सिर्फ 10वीं पास की है, आपके लिए कोई जॉब नहीं है। नहीं चुकाना है ना तो घर खाली करो, चाय पियो और निकलते बनो। सर यहाँ खड़े रहके कोई फायदा नहीं, कोई वैकेंसी नहीं। तुम्हारी वजह से छोड़ रहा हूँ वरना इसकी खाल उधेड़ देता। मत कहाँ से आई, अब निकलो यहाँ से। के मार के भगाओ क्या, चल जाए यहाँ से। ये 4 रुपए ले और बाकी पैसे वापस कर। ए, ये क्या चिल्लर पकड़ा रहा है? 20 रुपए की तो चाय पी गया और 15 रुपए सिगरेट के हैं, भिखारी समझा है क्या? 35 रुपए की 4 रुपए पकड़ा रहा है। मैं दे रहा हूँ, मैं देता हूँ। ये लो भाई, क्यों फोन जला रहे हो? ये लो।
चलो मिलके पतंग उड़ाते हैं। उसकी नौकरी का क्या हुआ? भैया खाना तैयार है, खा लो। मुझे माफ कर दो प्लीज। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं नहीं, मुझे सच में ऐसा नहीं करना चाहिए था। I'm so sorry भैया, sorry। Sorry क्यों कह रही हो? तुमने कुछ भी गलत नहीं कहा था। मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है। दुनिया में हर कोई डॉक्टर, इंजीनियर, सेल्समैन या फिर ड्राइवर है, लेकिन मैं कुछ नहीं हूँ, किसी काम का नहीं। ऐसा मत सोचो भैया, तुम सच में बहुत टैलेंटेड हो, देखना तुम्हें अच्छी नौकरी जरूर मिलेगी। अपने भांजे के लिए एक बिस्किट तक नहीं खरीद सकता, चाय भी 10 रुपए की आती। भैया मैं तुमसे एक बात कहूँ, पर प्लीज बुरा मत मानना। हाँ बोलो ना। मेरी एक फ्रेंड है, उसने एक म्यूजियम बताया जहाँ वॉचमैन का पोस्ट खाली है, तो तुम करोगे क्या? ठीक है। ए, आईने में क्या देख रहा है? कुछ नहीं सर, इसे पहनकर स्कूल यूनिफॉर्म की याद आ गई। हाँ ठीक है, चल चुपचाप अपने ग्लव्स पहन और ड्यूटी पे लग जा। टिकटॉक क्या आ गया, सब खुद को हीरो समझने लग गए। अब जो मैं तुम्हारे साथ करूंगा वो तुम्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, पर ये मेरा फर्ज है, बिकॉज आई एम वॉचमैन। कली कर रहा है, चल जा अंदर। अरे बाप रे, इसकी वजह से पहले ही मार खा चुका हूं, अब और नहीं खाना, निकल लेता हूं। अबे अंदर आ क्या? नहीं सर, तुझे बाहर खड़ा होना है। अंदर अंदर अंदर। लेकिन ध्यान रखना, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। उस दिन गलती मेरी नहीं, तुम्हारी फ्रेंड रितिका की थी। रितिका ने ही तुम्हें ये जॉब ऑफर की है। चेकिंग करनी पड़ेगी। बस अब बहुत चेक कर लिया। अभी कहाँ, अभी तो नीचे ही चेक किया, ऊपर बाकी है। नहीं ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तुम्हें चेकिंग सिर्फ मर्दों की करनी है, चलो जाओ। खुद तो कंफ्यूज है और मुझे भी कंफ्यूज कर रहे हैं। अब एक मिनट, क्या है? फिर से चेक करना है मुझे? नहीं नहीं वो बात नहीं है, दरअसल म्यूजियम में पेंटिंग्स लाखों करोड़ों में बिकती हैं। मैंने स्कूल में बहुत सारी ड्राइंग्स बनाई थी, इन्हें देखकर इनके दाम बताइए ना। इसके 20 रुपए मिलेंगे। 2 वड़ा पाव। इसके 20। 2 समोसा पाव। इसके 10। 1 चाय। टोटल हो गए 50 रुपए। आर्टिस्टिक सेंस के बारे में सुना है कभी? देखो उस दीवार पर, पूरे 50 लाख की है। इसे भी आर्ट कहते हैं? हाँ सुनिए, उस दिन का गुस्सा आप मेरी पेंटिंग पर निकाल रही हैं क्या? ऐसा नहीं है, देखो सुनो। एक्चुअली उस दिन मैं तुम पर गुस्सा थी, लेकिन बाद में सुरभि ने तुम्हारे बारे में सब बताया। मैं दावे से कह सकती हूँ मेरा भाई ऐसा नहीं है। थैंक यू एंड सॉरी। तो इसलिए मैंने तुम्हारी मदद करने की सोची, तुम अच्छे इंसान हो इसलिए तुमसे मिलने आई। पर तुम बच्चों वाली पेंटिंग्स दिखाकर बेचने को कहोगे तो दुनिया जोकर कहेगी। वो तो हर कोई कहता है। मेरी वजह से सुरभि को घर गिरवी रखना पड़ा, अब उसे छुड़ाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। पर वो ड्राइंग्स वाकई बहुत बकवास थी। हाँ ठीक है। ए, रुको रुको रुको, मुझे पहले से ही तुम पर शक था। चलो चलो हाथ ऊपर करो। अरे, मुझे चेकिंग मैंने कुछ नहीं किया, बिल्डिंग में चोरी हुई है, जाके देखो। क्या? तुम जाओ जल्दी से पुलिस को फोन करो। तुम लोग बचोगे नहीं, पुलिस आ रही है। आ रही है कि नहीं? हाँ आ रही है। कूल मैन।
चैन खुली की मैन खुली की चैन खुली की मैन खुली की खुली की नहीं गंदी बात चल हेलो पुलिस ट्रेडमिल नहीं है रुक रुक अरे अरे छोड़ छोड़ जल्दी छोड़ अरे ओए जानते हो स्टैचू की कीमत कितनी है 1 करोड़ किरी तो तेरा वो किरी तो तुम गए समझ गए अबे पकड़ लिया छोड़ छोड़ कहाँ है वो कहाँ है छोड़ छोड़ पकड़ो पकड़ो ले जाओ पकड़ो ले जाओ अपने गांव ले चलो ले चलो ले जाओ उनको चल छोड़ चल और कहीं के चल बाल बाल बच गए ये जाती तो करोड़ों का नुकसान हो जाता रॉयल फैमिली की अमानत है ये इसके मालिकाना हक के लिए कई लोगों ने पिटीशन डाल रखी है इसे देखोगे ना तो होश उड़ जाएंगे कहा था ना इसे देखते ही तुम्हारे होश उड़ जाएंगे बहुत अच्छे तुमने कमाल कर दिया ए, ये तो वही मूर्ति है जो मेरे पापा ने दी थी अरे ये रुक जाओ क्या कर रहे हो छोड़ो इसे अरे अरे रुको इसे क्या कर रही है अरे मेरी है मैं इसे किसी को नहीं दूंगा छोड़ो हाँ करेक्ट है ये तो हमारी ही मूर्ति है मतलब तुम्हारी फैमिली रॉयल फैमिली है रॉयल फैमिली ये कब हुआ ज्यादा शौक होने की जरूरत नहीं है ये वो इतिहास है जिसे ना जाना तो ही बेहतर है हमारे पूर्वज राजा महाराजाओं से जिंदगी जिया करते थे और तुम्हारे पापा उनकी तो बुद्धि भ्रष्ट थी विरासत में मिली सारी चीजें उन्होंने दान कर दी पर उन्होंने अपने उसूल कभी नहीं छोड़े सत्यवादी हरिश्चंद्र के पुत्र थे ना ये क्या किया पापा कंगाल ससुर तांबे की मूर्ति इतनी कीमती बताती हूँ आओ मेरे साथ एक बार फिर से फेंको ना टेरेस पे जाऊंगा तो फेंकूंगा ए सासू मैं इसको संभालो ना ये है वो वजह महाराज एलिसाई तुम एलिसाई साम्राज्य से हो जिसके ये राजा थे बहुत ही समृद्ध स्टेट था इनका अथाह दौलत विशाल सेना इसके अलावा युद्ध में इस्तेमाल होने वाले हथियार बनाने में इन्हें महारत हासिल थी इनकी एक और खासियत थी जानते हो वो क्या थी क्या डोकरा कलाकृतियां बनाने में इनसे अच्छा कोई नहीं था लेकिन फिर इनकी बर्बादी शुरू हुई पता है कैसे हाँ मुझे पता है उसकी वजह ब्रिटिशर ही थे जी नहीं उसकी वजह वो खुद ही थे तुम्हारे पूर्वज एक नंबर के लड़कीबाज थे मेरे पूर्वज लड़कीबाज बोल प्यारी बोल तुझे क्या चाहिए मेरा दिल चाहिए ये चाहिए जो दिल करे ले लो अरे देख क्या रही हो आओ लूट लो ये बताओ तुमसे वो स्टैचू कैसे खो गया 20वीं शताब्दी का पहला दिन तुम्हें अच्छी लगी रख लो मूर्ति कैसे खोई वो इम्पोर्टेंट नहीं है पहले ये पता लगाओ कि इसका प्रेजेंट ओनर कौन है रवि लाख रुपए का सवाल पूछा है बताओ ओनर कौन है अब इसका ओनर एक एमएलए है एक एमएलए और पता है लेटेस्ट न्यूज यही है सूत्रों से पता चला है कि ये कीमती मूर्ति राज परिवार के वंशज एमएलए धर्मराज की अमानत है करप्शन चार्जेस में जेल जाने के बाद वो पिछले ही महीने जेल से रिहा हुए हैं उनके ऊपर किडनैपिंग राजनीतिक हत्याओं और मनी लॉन्ड्रिंग के कई सारे केसेस चल रहे हैं इनका असली नाम धर्मराज है इन्हें पहले भी एक मर्डर केस में गिरफ्तार किया गया था सलाम सलाम सर
अपुन के बहादुरी के किस्से सुन के पता चली गया होगा कि अपुन एक धांसू शूरवीर राज परिवार की फैमिली का है। उस अनमोल मूर्ति पर धर्मा का हक है, अब ये प्रूफ करने का जरूरत नहीं है। मैं हैरान हूँ, 100 पागलों ने उस मूर्ति पे अपना हक जताया है। बेवकूफ उमर भर अदालत से अपना सर फोड़ते रहेंगे पर विल गेट नथिंग। इस बात से अपुन को एक बात याद आ रहा है, बताओ क्या है, खुद ही देख लो। गरीब खान मेरा बेटा है, मेरा चलता फिरता चेक है, उसे मेरे अकाउंट में डाल दो। देखा आपने, गरीब खान को अपना बेटा बता रही है, कोई खुद को चीफ मिनिस्टर की बेटी बताता है। आए दिन ऐसा कॉमेडी शोज होता ही रहता है। अपन का दिल अच्छी तरह जानता है, दावा करने वाले लोगों की धज्जियां उड़ा के रख देगी ये कोर्ट। मार्केट में 100 डुप्लीकेट घूमते हैं पर ओरिजिनल सिर्फ एक ही होता है और वो है धर्मराज। इस महीने की 20 तारीख याद रखना, उस मूर्ति को गवर्नमेंट के इंस्पेक्शन के लिए भेज दूंगा। एक बार सरकारी ठप्पा लग जाए उसके बाद ये मूर्ति मैं सरकार को ले जाके दान में दे दूंगा। दान में दे देगा? ये मूर्ति क्या इसके बाप का माल है जो दान में दे देगा? पॉलिटिक्स है, यहाँ के पॉलिटिशियंस यही सोचते हैं कि हर चीज उनके बाप का माल है। क्योंकि उसे वोट बैंक चाहिए। राज परिवार से जुड़ी हुई इस शहर में सिर्फ 4-5 कास्ट हैं, ये सब जानते हैं। वो जानता है कि अगर एक बार राज परिवार से उसका नाम जुड़ गया तो सारे वोट उसे मिल जाएंगे। इसका सिंपल मीनिंग बस इतना है कि उन कास्ट की मदद से धर्मराज फिर से इलेक्शन जीत जाएगा। तो तुम्हारी वो मूर्ति अब कास्ट और पॉलिटिक्स से जुड़ गई है। एक स्टैचू को भी कास्ट और पॉलिटिक्स से जोड़ दिया, एक घटिया पॉलिटिशियन एमएलए कैसे बन गया? यहाँ के 70% एमएलए ऐसे ही हैं, जानता है, पहले जनता इनको लाती है फिर लात खाती है। अब तुम्हारा कोई चांस ही नहीं है। मेरा चांस हो ना हो अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। इतने सालों के बाद मुझे मेरी मूर्ति मिली, ये मेरे पिता की निशानी है, उसे हासिल करके ही रहूंगा। एकदम सही जा रहा है भाई, मिल गई तो लोन चुकता हो जाएगा। मेरे पास एक कमाल का आइडिया है, 2 दिन बाद ये मूर्ति उसके घर पहुंच जाएगी। अगर तुम सच उगलवा लो तो हमारा काम आसान हो जाएगा। बस तुम्हें होशियारी से एक वीडियो बनाना होगा एक बटन कैमरे की मदद से। एक बटन कैमरा? आओ बताती हूँ। ये देख रहे हो, ये बटन कैमरा, ये क्लॉक कैमरा, ये चड्डी कैमरा। चड्डी कैमरा? ये बटन कैमरा तुम यहाँ लगाना। कहाँ पे, कहाँ पे? अरे तुम अपनी बटन में लगा के रिकॉर्ड करोगे ना। चल मनी, दुकान से ये कैमरा खरीद कर लाते हैं। हेलो हेलो, ये सब दुकान में नहीं मिलता है, इंटरनेट पे ऑर्डर करना पड़ता है। हाँ तो इंटरनेट से खरीद कर लाते हैं। इंटरनेट मतलब ऑनलाइन ऑर्डर करना पड़ता है कंप्यूटर पे, समझा? चला इधर, फ्लिपकार्ट ओपन कर। कंप्यूटर से ऑर्डर तो कर लेगा लेकिन वो बटन कैमरा कंप्यूटर को फाड़ के बाहर निकलेगा क्या? दिमाग खराब है, कंप्यूटर से कोई सामान बाहर निकलता है? ओहो, अभी तूने खुद बोला ना, अभी पलटी मार रहा है। भाई मैंने कंप्यूटर से निकलेगा ये नहीं बोला, डिलीवरी बॉय देके जाएगा। इसको प्लान पता चल गया तो मैं आईटी स्टूडेंट हूँ, चलो ऑर्डर कर। अच्छा अब मैं ऑर्डर कर दूं? अभी मिलेगा क्या जैसे प्रसाद मिलता है? अच्छा पैसे कहाँ से भरेंगे, दान पेटी है क्या? बैंक ट्रांसफर? अगर माल डुप्लीकेट निकला तो पैसे देगा ना वापस, नहीं तो पैसे पानी में चले जाएंगे। थोड़ी देर शांत रहे। ऑर्डर कर दिया, हो गया। मणि मैं सोच रहा था मनी ट्रांसफर बंद। अच्छा सेल्समैन को पहचानेगा कैसे? उन लोगों को छुट्टी नहीं मिलती है क्या? डिलीवरी बॉय अपने गाँव का निकला तो 19 साल कुछ नहीं बोला, उसकी भड़ास तू आप निकाल रहा है, मुझे कोमा में भेजने का क्या? अरे मेरा वो मतलब, देख डिलीवरी आने में टोटल 4 दिन लगेंगे, तब तक मुंह पे ताला मार और चुपचाप बैठ। 4 दिन लगेंगे? चार दिन मुझे 4 साल की तरह लग रहे हैं, क्या करूं क्या करूं। ए छोटू क्या पबजी खेल रहा है, चल ना बाहर निकल के क्रिकेट खेलते हैं। ए अरे आजा मेरे आइंस्टाइन, कोकोनट बैट। ले 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 जल्दी ले। ओ नो, ए चल मैं नहीं आ रहा। अरे मैं बॉलिंग करता हूँ, तू बैटिंग कर। बोला बोला आउट आउट ये। ये आया। अरे रुक जाओ, बचपन में हम भी ये खेलते थे। चले गए बचपना नहीं गया, पता नहीं मैं चैंपियन थी। क्यों परेशान कर रहे हैं? अरे गुरुजी एक छोटे से बच्चे के लिए इतना नहीं कर सकते। मैंने कोमाली नाम का यूट्यूब चैनल बनाया, एकदम रापचे के बाप, लाइक्स तो चांद तक पहुंच गए। 2-3 बकवास वीडियो बनाने दो ना प्लीज प्लीज प्लीज। क्या कर रहा है? ऑर्डर का वेट कर रहा हूँ।
ये जो गर्लफ्रेंड है ना पतंग की तरह, इसे आजाद पंछी की तरह उड़ने देना चाहिए। कभी शक के घेरे में आके प्यार की डोर को मत खींच देना, वरना इसका अंजाम जानते हो, तुम्हारे शक के चक्कर में गर्लफ्रेंड लाइफ से चली जाएगी। तो अगर अपने प्यार में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो अपने दिल के मंदिर में उसके भरोसे का दिया जलाए रखना। आज तो जम के प्रसाद खाऊंगा। चप्पल बाहर निकालो, बचपन में भगा दिया था। आइए आइए भाई, संभाल के। हाँ हौले हौले। मार, मुझसे पंगा ले। अगर अपने प्यार में सक्सेसफुल होना चाहते हो, क्या टाइम पास चल रहा है? जानवरों से प्यार करो, अगर इनकी आबादी खत्म हो गई ना तो हमें भी कोई नहीं बचा पाएगा। अब वफादार जानवर के पीछे भी पड़ गए। ए, जी और जीने दो यार। अबे इसको घर पे लेके जा। नहीं नहीं, यहाँ ताजी ताजी हवा है, हेल्दी एटमोसफियर है और ऊपर से खुला खुला माहौल। महीने में 12वीं बार कास्ट टूटा है, पैसे पेड़ पे नहीं उगा करते हैं। और इसे देखो, प्रिंटेड एलियन, मैं खुद नहीं पहचान पाया इसे। लोग टी शर्ट पर प्रिंट करते हैं, इसके ऊपर खुद टी शर्ट प्रिंट हो गई। टी शर्ट के पैसे बच जाएंगे ना। ए, ये मेरा बेटा है, कोई प्रिंटिंग मशीन नहीं। अंकल अंकल चलो ना, मुझे खेलना है। देखा, इसका भी दिमाग खराब। चलो ना अंकल प्लीज। ए, तुझे क्रिकेट खेलना है क्या? नहीं क्रिकेट नहीं, मुझे लड्डू खेलना है। ए, तू लट्टू खेलना चाहता है ना? चल आज हम दोनों लट्टू खेलेंगे, चला जा। मैं तुम्हारी कंप्लेंट पुलिस से करने वाला हूँ। अगर तूने एक शब्द भी बोला ना तो समझ ले। हे सुपर डैडी। कल जिंदगी में पहली बार स्टीम बात लिया। हाँ? आज भी ले क्या? यहाँ पर भी तो स्टीम बात है। अरे ए, इधर नहीं उधर। अरे इस नाले को स्टीम बात बोल रहा है। अरे कपड़े उतार कर लाइक्स नहीं मिलते हैं? सबको हटा के हस्बैंड वाइफ साथ रहे तो उसको जॉइंट फैमिली बोलते हैं। बोलो, कुत्ता पिज्जा खा रहा है और देश के किसान भूखे मर रहे हैं, जरा आप ही सोचिए ये सही है क्या? अब बोल के भी क्या फायदा, मेरी सुनता कौन है? तू देखना, वो इसको देखते ही कचरे के डिब्बे में फेंक देगी। अरे वाह पत्तेदार प्याज, आज ही इसकी सब्जी बनाती हूँ। थैंक्स। मुझे पता था तुम्हें पसंद आएगी इसलिए ले आया। वेरी गुड। अरे चैनल तो एक नंबर है भाई। वाह, ये पावर वाले भी ना हमेशा एंड टाइम पे पावर कट करते हैं। चलो मूनलाइट राइस खाते हैं। मुझे भी खाना है। ये क्या होता है? मैंने तो कभी नहीं खाया। मूनलाइट राइस कभी नहीं खाया? अरे इन्हें खिलाओ भाई। चलो। अरे मुझे भी लेके चलो। आजा तू भी आजा मोटे। पता नहीं, चलो हम भी चलते हैं। चलो चलो। हाँ चलो 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 जल्दी। वाह, इधर आओ इधर आओ, जल्दी आओ। खाओ खाओ जल्दी खाओ, यहाँ तो सब लोग आ गए हैं। लगता है तुम लोग टेरेस पर बहुत दिनों के बाद आए। हाँ लो लो लो। मम्मी मुझे भी पानी दो ना। अच्छा लग रहा है ना जिंदगी? पहले आना चाहिए। राजा दीदी याद आ गए बुद्धू। शान देखो कितना प्यारा लग रहा है। हम जब छोटे थे तो ऐसे ही छत पे सोया करते थे ना। कौन मैं? हेलो, सामान आ गया। तुम रोड के इस तरफ खड़े हो या फिर रोड के उस तरफ खड़े हो? ऑफिस दोनों तरफ से बीच में ही है, तुम वहाँ पर जाकर ड्रॉप बॉक्स में डाल दो, मैं बाद में कलेक्ट कर लूंगा। चलो भाई। बटन कैमरा आ गया। हे मनी तू क्या कर रहा है? वर्क फ्रॉम होम यार। होमवर्क सुना था, ये वर्क फ्रॉम होम क्या चीज है? मतलब ये कि हम घर से भी काम कर सकते हैं। अच्छा तो घर ये पर बैठे बैठे बोर कर। हेलो, तो क्या मैं भी? हाँ माँ, ठीक है भाई। अच्छा, ए, कौन था? माँ तेरे खाने के बारे में पूछ रही थी। तो फोन क्यों रख दिया? अरे तो और क्या करता, फिर पूछती कि कैसा है, सोया क्यों नहीं, वही बोरिंग से सवाल। घर आने के बाद बीवी भूल सकती है लेकिन माँ नहीं भूल सकती कि बेटे ने खाना खाया है या नहीं, समझा? दूसरों से बात करने के लिए तो तेरे पास बहुत टाइम है पर माँ से बात करने के लिए टाइम नहीं है। चुल्लू भर पानी में डूब जा। हेलो, आपने खाना खाया माँ? तुम लोगों ने तो कहा था कि सिर्फ बटन कैमरा है लेकिन ये तो पूरा सर्किट फिट कर रहा है। अरे हाँ कि बताएगा ना। बटन कैमरा वीडियो रिकॉर्डिंग स्टोर करता है, ये देख ट्रांसमीटर 100 मीटर दूर तक सिग्नल भेज सकता है, और ये देख हैकिंग डिवाइस, जामर रहेगा ना तो उसको भी उल्लू बना के डेटा खींच लेता है हफ्ते भर की बैटरी बैकअप के साथ। कौन है ये? नाके का इलेक्ट्रिशियन है? एकदम सही बोल रहा है रवि, मुझे तो ये गुफा का चमगादड़ लगता है। शट अप, ये फ्रेंड है, प्रोफेशनल हैकर। छोटू, इसमें जो भी रिकॉर्डिंग होगी ना उसे डायरेक्ट यूट्यूब चैनल और फेसबुक पर लाइव दिखाना, मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे। ओके गुरु, रिकॉर्ड करो, बाकी मैं संभालूंगा। तेरे को स्कूल नहीं जाना है क्या? आज संडे है। तू रेडी हो? ऑलवेज रेडी। डी डा
डी नहीं पता डार्लिंग का शॉर्ट फॉर्म डा डियर का शॉर्ट फॉर्म डी ये रवि का सीक्रेट कोड है स्कूल में मुझे तो कभी नहीं बताया सही है मेक अ यू टर्न ओके कर क्या रहे हो मेक अ यू टर्न ओके अरे यहीं घूमता रहेगा क्या मैप से जल्दी पहुंचाएंगे गूगल काका झूठ नहीं बोलते ओके राइट इतना पसंद है गोपचे में घुस गया देख तुझे कैसे पकड़ता हूँ अरे पतली गली सुनाई था आज देख भी लिया ओके ओके अबे उधर रोड नहीं घर है घर अबे क्या कर रहे हैं अकल क्या है रुक 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 ए सर पे लंगोटी बांध रहा है तुम्हारा शिक्षक मत दिखाना यू हैव अराइव्ड एट योर डेस्टिनेशन अच्छा अरे कब्रिस्तान माय गॉड अरे रुक ना गूगल झूठ नहीं बोलता किसने कहा अरे वो एक कंप्यूटर ही तो है इंसान से गलती हो जाती है तो कंप्यूटर क्या चीज है अब किससे पूछो कोई मुर्दा भी तो नहीं दिखाई दे रहा है भाई साहब हाँ क्या हुआ बांगुर नगर का एड्रेस बता सकते रोड नंबर क्या है 9211 अरे यार फोकट में तुम लोग इधर आए अब एक काम कर सीधा जा वहाँ से लेफ्ट उधर एक पतली गली आएगी वही पकड़ के एकदम सीधा निकल ले समझ गया ना थैंक यू भाई साहब गूगल वाले बाबा नहीं ऑटो वाले ड्राइवर से पूछो कैमरा ऑन करो लाइव है कोमाली चैनल इस वक्त लाइव है लगता है नया चैनल बहुत अच्छा है वॉचमैन से पूछते हैं भाई साहब हमें धर्मराज से मिले तो यहाँ रोड पे कहाँ ढूंढ रहे हो जाकर उसके घर में ढूंढो ना इसकी अकल घास चरने गई है अरे हम वही तो पूछ रहे हैं कि उसका घर कहाँ है कचरे के ढेर के सामने खड़े होके पूछते हो कचरा किधर है यही है अच्छा टॉनिक का टाइम हो गया मैं जरा चढ़ा के आता हूँ इतना बड़ा होके अभी तक टॉनिक ही पीता है दवाई वाला टॉनिक नहीं रे ठर्रा वाला अभी इतने सारे गुंडे रवि की तो आज वाट है मौत के मुंह में गया है अपुन किधर तो तुम लोगों को देखा है सर जब आप अंदर से आ रहे थे ना तब हम वहाँ थे आपने तभी देखा ऐसा लगता है नहीं आपने हमें कभी नहीं देखा है चार्जर निकाल रहे मैं यहाँ ये साबित करने आया हूँ कि धर्मराज की मूर्ति मेरी है सीधा एमएलए के घर में घुस गया ये तो हेलो मैं रवि आपसे मिलना चाहता हूँ 19 साल से कोमा में थे आधी जवानी चली गई समझ नहीं आ रहा है तुझ पे तरस खाओ या हंसू किस्मत ने ये कौन सा चैनल है कोमाली चैनल यूट्यूब पर ये तो धर्मराज का घर है खेलती जिंदगी बर्बाद हो गई होगी है ना मैं समझ सकता हूँ बहुत बुरा हुआ अपुन को अच्छी तरह मालूम है कि वो मूर्ति अपुन की नहीं है अब तुम्हें मानना है मानो नहीं मानना है तो मर्जी तुम्हारी है फिर भी वो मेरी ही रहेगी एक बात बताओ मूर्ति पे हक जमाने के लिए कोई सबूत वबूत है तुम्हारे पास है बात दरअसल ये है कि मैं आपको झटके क्यों खा रहा है करंट लगा क्या शिट क्या हो रहा है पसीने की वजह से शॉर्ट सर्किट हो गया इसे भी अभी होना था जल्दी बोल वो मूर्ति तेरी है इसका कोई सबूत है तेरे पास अच्छी तरह सोच के जवाब देना बोल रे जल्दी मुहूर्त का वेट कर रहा है क्या जो ये पूछ रहा है उसका जवाब देना चुप रही है यार जल्दी कर सर आपको याद होगा एक ढाबे के पास आपने मूर्ति छीनी खुजली खुजली पेट खराब है क्या तेरा उल्टी हो रही है ठीक भाग ऐसे चल लुंगी खराब करेगा नसीब अच्छा है वरना आपके मुंह पे ही कर देता ध्यान से सुन अपुन को अच्छी तरह मालूम है कि वो मूर्ति अपुन की नहीं है मालूम है क्यों 19 साल पहले अपुन ने उस मूर्ति को एक लड़की से छीना था उस मूर्ति को अपुन के पास देखकर लोगों ने यह मान लिया कि अपुन किसी राजा महाराजा की फैमिली महाराज धर्मराज आपकी बीपी की गोली अब लोग अपुन को मिनिस्टर तक बनाना चाहते हैं अरे ओ ज्यादा दिमाग चलाया तो चुटकी बजाते खत्म कर दूंगा किधर गया पता भी नहीं चलेगा मूर्ति अपुन की है जा तेरे को नहीं देखा जो करना कर ले जा बम्मा बोले ए लगता है इस पर भूत सवार हो गया लेकर जाए इसे बाहर निकाल ए चल रे बच गए अरे धीरे धीरे मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया अब उसके इज्जत की बौरात निकलेगी टिंग 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 ए जरा जाके देख तो ठीक है भाई
तेरे बाप की शादी है? मेरे बाप की शादी हो चुकी है। अरे तो फिर से करा लेना, फिर उसकी शादी में नाचना। क्यों रे घोंचू, माइकल जैक्सन का स्टेप करता है और हमें एड़ा बनाता है। अबे आप लोग को पूरी दुनिया देखने लिए है। क्या बक रहा है? बचाव दल कहाँ है? अरे घन चक्रा वो भाग रहा है, पकड़ा उसे। उन लोग को भी फंसा देगा। चाबी दे, चाबी दे। मेरे पास नहीं है। तो फिर किधर है? अरे चाबी तो इधर है। अरे पागल, कबड्डी 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 कबड्डी। ये लाइव क्या होता है? अपन लोग का थोपड़ा हर जगह इंटरनेट पर लाइव दिख रहा है। क्या हो जाएगा उससे? भाई अखा दुनिया को पता चल जाएगा। अबे तो मुंह क्या देख रहा है? पकड़, लुंगी उठा। छोड़ना मत। निकल, पकड़ो, भाग रहा है। नेम चुकला। रुक रुक रुक, एक और। सॉरी लग रही है। आज बच के नहीं जाएगा। तेरी तो जासूसी करता है। मार। सर इस वक्त आप लाइव हो, आपको कैसा लग रहा है? कुछ कहना चाहेंगे? सर क्या आपको पहले से पता था कि रवि लाइव है? सर कुछ तो बताइए। सर प्लीज कुछ बताइए। ये वैन आपकी है क्या सर? आई लाइक इट। सवाल क्या पूछ रहे हो? जेल में ठूसो इसको। सिग्नल कटने पर आप पर हमला हुआ था क्या? सिग्नल कटा? तुम कहना क्या चाहते हो? मैंने पूछा सिग्नल कटने पर आप पर हमला हुआ था। उस पर हमला हुआ था? आप पर जो इल्जाम लगे उसके बारे में आपको क्या कहना है? देखना ना, अपुन को अच्छी तरह मालूम है कि वो मूर्ति अपुन क्या हो रहा है? अरे क्या हो रहा है? चल क्या रहा है? पता नहीं यार, पसीने की वजह से शॉर्ट सर्किट हो गया। सर नेशन वांट्स टू नो, कुछ तो बताइए। सर प्लीज टेल अस, द नेशन वांट्स टू नो। बोलिए सर, डू यू हियर मी? अब अपन क्या कर सकता है? उन लोग को माफ कर दूंगा और जाने दूंगा। सच ये है, दो नौजवान एक रात में शोहरत पाना चाहते थे, दौलत कमाने के लिए इस हद तक गिर गए। उसे देखो, बहुत दुखी लगता है, अंदर से एकदम टूट चुका है बेचारा। 19 साल से कोमा में था, अब जाके ठीक हुआ है। उस बेचारे के लिए मुझसे जो बन पड़ेगा वो करने से पीछे नहीं हटूंगा। मैं फिर अपनी बात दोहराऊंगा, एक ही ओरिजिनल है, वो है अपन। इस पे ओरिजिनल का ठप्पा लगाए। बेटा तुम भी चिंता मत करो, जो कुछ भी होगा मैं करूंगा तुम्हारे लिए। हाँ खुश। मैं तो गया था इसे सच उगलवाने के लिए, लेकिन पासा उल्टा पड़ गया। अब मुझे कोई दूसरी चाल चलनी पड़ेगी। इंटरनेट पर रातों रात स्टार बन गया था मैं, अच्छे काम के लिए नहीं, बल्कि जो रायता फैलाया था मैंने उसके लिए। अपनी जान पर खेलकर जो मैंने रिस्क लिया वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मजाक बन गया था। ए बाबा, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता रे। मेरे से पंगा मत लेना वरना नंगा कर सकता। अयो रवि, तेरी तो अच्छे से बैंड बज गई। ए रवि, अरे भाई कम से कम वो बेल्ट तो निकाल दे। नहीं निकालूंगा। ठीक है वो बटन। जी बोलिए। गुड मॉर्निंग मैम, मैं ICIS बैंक से हूँ। सर है क्या? हाँ अंदर है। अच्छा घर पर है, तो क्या उनके कान के पर्दे फट गए, मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं? देखिए इज्जत से बात कीजिए। ये इज्जत ना उन लोगों के लिए होती है जो लोन लेने के बाद टाइम पे वापस चुका देते हैं। अगर एक महीने में बैंक का पैसा वापस नहीं लौटाया ना, तो कान तो फट गए, साथ में मैं भी कुछ फाड़ दूंगा। सर के सारे बाल झड़ गए वसूली का काम करते करते। अगली बार बात नहीं सीधा चमाट मारो। क्या भाई आराम कर, जब पैसे चाहिए तो हमारे सामने आके हाथ जोड़ रहे थे, और जब पैसा मिल गया तो हमको हाथ जोड़ के बोलते हो कौन हो तुम लोग? अरे बगल में रहने वाले पिस्सू को भी तुझसे ज्यादा अकल होगी मोटे। तेरे जैसे सड़े गेंडे और खुजली वाले कुत्ते को भी तुझसे ज्यादा शर्म होगी हराम की खाने वाले। अरे तेरे मुंह पे थूकने के बाद तो थूक ही इंसल्ट हो जाएगी। अरे तुझसे अच्छा तो वो नाली का कीड़ा है जो नाली की गंदगी साफ करता है। अरे इतना लोन लेने के बाद तुझे रात को नींद कैसे आती कमीने? रवि मैं कायदे से लोन लेने की बात करता हूँ तो तू मुझे थप्पड़ मारता है, अब तो तुम लोगों की वाट लगेगी। एक हफ्ते के अंदर पैसा तेरे मुंह पे मारूंगा। हाँ जानता हूँ राजा के खानदान का है तू। मैं राजा के ही खानदान का हूँ। तूने उसको झापड़ क्यों मारा? अबे वो गंदी गंदी गालियां दे रहा था। अरे किस किस को झापड़ मारेगा? दोनों जानू। एक मिनट रुक। दोनों जानू। हाय मामू। ये भी मेरा मजाक उड़ाता है। अब बोल इसको भी झापड़ मारेगा? अरे तू कहाँ जा रही है? अपने भाई को समझाना। सर लोगों का कहना है कि ये एंटीक पीस कहीं से स्मगल की गई है, इसमें आपका क्या कहना है? अरे भाई बात को समझो,
कामयाब इंसान के हजारों दुश्मन होते हैं। हर अफवाह को सच मानोगे तो रिपोर्टिंग करोगे कैसे? अब आप ही बताओ, जनता को आखिर क्या सबूत दूं मैं? हर साल मूर्ति हाथ में लेके फोटो खिंचवाता रहूं, अब क्या जब मैं बच्चा था उसका फोटो भी दिखाऊं क्या? हद है भाई। अब क्या जब मैं बच्चा था उसका फोटो भी दिखाऊं क्या? सबूत मिल गया मनी, मुझे सबूत मिल गया। क्या बात कर रहा है? याद है स्कूल के एग्जीबिशन में निकिता ने हमारी फोटो खींची थी? हाँ याद है ना, तो अब वो फोटो ही हमारे लिए सबसे बड़ा प्रूफ है। अरे यार क्या दिमाग पाया है, एक बात चल चल जल्दी करते हैं। क्या हुआ है? एक बात तो भूल ही गया था, फोटो लेते वक्त सुरेश कुछ ज्यादा ही उतावला होकर डांस कर रहा था, पता नहीं वो खड़ा था कि बैठा था। तू टेंशन मत ले, मैं अभी उसे फोन करके पता करता हूँ, रुक। हेलो, हाँ हेलो सुरेश, याद है 19 साल पहले निकिता ने एक फोटो लिया था एग्जीबिशन में, तूने डांस भी किया था, तू फोटो लेते वक्त खड़ा था कि बैठा था? हमारे कॉलेज में एग्जीबिशन भी था। अरे वो सब छोड़, जवाब दे। अच्छा बता, तू चंपा से मिला था क्या? चिकनी कमर वाली चंपा? ए, मेरा ध्यान भ्रष्ट मत कर, जवाब दे, बहुत जरूरी काम है। ऐसा लग रहा है मैं बैठा था। लग गई लॉटरी यार। थूकने का मतलब? अरे पुराना रिश्ता है और इसी का हिसाब चुकता कर रहा है। कमें नाइन लड़ गए हो तो हमसे बातें कर लो। हाँ बको, बात ये है कि इस रूम में एक ही इंसान है क्या? है हम ज़ॉम्बी है क्या? मुझे देखकर बात कर। नहीं, बात वो नहीं है डॉक्टर, बात ये है कि 19 साल पहले जब निकिता मेरी गर्लफ्रेंड थी, तो उससे पहले भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी? अरे क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो, हमें नेगेटिव चाहिए वो दे दो। बकवास बंद कर, कौन सा मैटर, तुम्हें बात क्या करनी है बोलो। प्रपोज करते वक्त मैंने तुम्हें एक मूर्ति दी थी याद है? जानती हो आज उसकी वैल्यू करोड़ों में है। आगे नहीं जाना, आगे नहीं जाना। पर अब वो मेरे पास नहीं है, वो मूर्ति धर्मराज के पास है, तो वो फोटो और नेगेटिव मिल जाए तो काम बन जाएगा। अरे रे, लेकिन तुम याद ना हो इसलिए मैंने वो डेवलप की। बाबा जी का ठुल्लू, बाबा जी का ठुल्लू ले ले। पर नेगेटिव्स मैंने अभी तक संभाल के रखे। देखा मेरी लवर है, ले लिया बाबा जी का ठुल्लू। लवर है? एक्स लवर। सिर्फ एक्स लवर? बाद में बोलो। लड़की कैसे मिल गया बाद में फैसला होगा, पहले नेगेटिव ढूंढो, है ना हलकट? लो बैठे बैठे परमिशन मिल गई, शुरू हो जाओ। तुम जाके ऊपर देखो और डा तुम नीचे देखो। डा कहा? और नहीं तो क्या, डार्लिंग का शॉर्ट फॉर्म डा, डियर का शॉर्ट फॉर्म डी, रवि ने स्कूल में सिखाया था। ऐसे ही थोड़ी ट्रेनिंग दे दी थी। तुम काम करो ना, छिपकली की पूंछ। अरे पकड़ो पकड़ो, अरे अरे यहाँ तो नहीं है मेरी बकड़ी। ये क्या बका तूने? नहीं ऐसे ही प्यार से बुला रहा हूँ। ओ सॉरी, चवन्नी वाला चॉकलेट। छे, अरे अरे फेंक क्यों दिया, ये मेरे कॉलेज लवर ने दिया था। क्या कहा? कॉलेज लवर ने दिया था? ए, जो भी बात कर रहा है दूर से बात कर, बीवी से चिपक मत। ए, काम पे ध्यान दे, एक भी ड्रॉ छूटा ना तो सैटेलाइट से दूसरी दुनिया में भेज दूंगा। ये तुम्हारे ऑफिस का लवर है? वही है। माँ ये फोटो वाले अंकल का नाम क्या है? ए, तुम जाके पढ़ाई करो। निकिता तुमने इस कलमुए के फोटो को डेवलप क्यों नहीं किया? इसके लिए मेरे दिल में कोई फीलिंग नहीं थी तो डेवलप करके क्या फायदा? फीलिंग नहीं थी लेकिन लव तो था ना। तुझसे लव नहीं किया इसलिए फोटो भी डेवलप नहीं की। अब नेगेटिव ढूंढो। क्या घुमा के चप्पल मारा है? कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? आगे मत बढ़ना। कब का बढ़ गया? रेशमा की जवानी, कॉल सेंटर में गुटर हूँ, बंद कमरे में खाली बल्ली, पलंग की खटखट आवाज, दो पहाड़ एक कुआ, डॉक्टर। ए, नीचे तो आ, बाद में मिल चमड़ी उधेड़ती हूँ तेरी। कमीने ने मेरी पॉजिटिव जिंदगी को नेगेटिव बना दिया। अरे कहाँ है नेगेटिव, 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 कहाँ है, कहाँ है नेगेटिव, नेगेटिव? निकी, जरा यहाँ घूमो, देखो यहाँ नेगेटिव है क्या? ड्रॉ में, ड्रॉ में। नेगेटिव, 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 नेगेटिव। देखो नेगेटिव दिख रहा है, थोड़ा और ऊपर नेगेटिव दिख जाएगा। जरा साइड हटो, नेगेटिव ढूंढने दो ना। बस
खून के आंसू रुला दिया। चलो चलो हम तीनों ऊपर ढूंढते हैं। यही बाकी था, यही ने घुमाते घुमाते बेडरूम में न ले जाए, किसी की कमी रह गई थी। बेडरूम में ढूंढते हैं। इन पे से हाथ हटा के कचरे में हाथ डालना। ए, आराम कर, नेगेटिव ढूंढ। नेगेटिव 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 नेगेटिव। एक बार और नहीं तो सींग उग जाएगा। मिल गया। मूर्ति तेरी। हे हे, नेगेटिव मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल। ए लूज कैरेक्टर, इतनी मेहनत से नेगेटिव मिले उसको भी बर्बाद कर दिया। उसे बगल में डाल के डेवलप कर रहा है। छी, निकाल उसको। सब सत्यानाश कर दिया। सॉरी भाई, आई यूज ओनली डिजिटल कैमरा। अगर दुनिया को बताऊं कि इस मूर्ति का ओनर हूं मैं, तो दुनिया तुम्हें जोकर कहेगी। उस अनमोल मूर्ति पर धर्मा का हक है, अब ये प्रूफ करने का जरूरत नहीं है। अब तो तुम लोगों की वाट लगेगी। इस हालत में सड़कों पर भटकते हुए वो अपना करियर किस तरह बना पाएंगे, और इस बर्बादी का और कोई जिम्मेदार नहीं है, सिर्फ तुम हो तुम। मूर्ति अपन की है, जा तेरे को नहीं देगा, जो करना कर ले, जा। मम्मी गोती, गोती। उठा लेंगे, हम उठा लेंगे, उसके घर से मूर्ति उठा लेंगे। है? और कोई रास्ता नहीं है। कैसे पूरी दुनिया को पता है वो मूर्ति धर्मराज के पास है? अगर तुम्हारे पास पाई गई तो तुम चोर कहलाओगे। गवर्नमेंट ने अभी भी उसकी टेस्टिंग नहीं की। 5 दिन बाद वो उसे आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट भेजने वाले हैं। हम उस ओरिजिनल मूर्ति को चुरा कर वहाँ पर डुप्लीकेट मूर्ति रख देंगे। फिर जब वो एज टेस्ट करेंगे तो डुप्लीकेट साबित होगा। हाँ, एज टेस्ट के बिना किसी को असली और नकली में फर्क पता नहीं चलेगा। तो हाँ, कर तो सकते हैं। एक मिनट, तुम चोरी करोगे? सिर्फ मैं चोरी नहीं करूंगा, इसमें तुम सब भी मेरी मदद करोगे। मैं तुम्हारी मदद क्यों करूंगा? नेगेटिव तुम्ही ने बर्बाद की थी ना, इसलिए मदद भी तुम ही करोगे। मुझे कुत्ते ने काटा है। मान जाए नहीं तो सच में काट लेगा। एक तो मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे छीन ली, अब मेरी मूर्ति भी मुझसे छीनना चाहते हो? यही है इंसानियत? तुमसे अच्छा डॉक्टर तो झोला छाप डॉक्टर होते। लेकिन चोरी करना तो पाप होता है ना। कितनी घटिया सोच है तुम्हारी, उसकी लाइफ बर्बाद हो गई और तुम्हें अभी भी अपनी पड़ी है। आई एम सॉरी रवि। डॉक्टर के नाम पे सड़े हुए कचरे, बिना दवा के इंजेक्शन लगा के मर। डॉक्टर है या कलंक? छी। मम्मी है, मेरे पापा नहीं है, नहीं है। ओके, 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 ओके। मैं किसी बदमाश लुटेरे को तो लूट सकता हूँ, लेकिन किसी को बर्बाद होते नहीं देख सकता। मैं साथ दूंगा। शहर में हो रही तेज बारिश की वजह से यातायात पूरी तरह से ठप पड़ चुका है। इस मिशन का पहला स्टेप उसके घर से चोरी करने का प्लान बनाना। हमें पहले ये पता करना होगा कि धर्मराज कब घर पर रहता है और कब घर से बाहर। वाह क्या आइडिया है। ठीक है, तो रवि का कहना यह है कि अगर हमें उस जंगल के राक्षस को हराना है तो हमारे पास हिडन कैमरा होना चाहिए। कैमरे से काम नहीं चलेगा, मेरा कुछ और प्लान है। बात तो पूरी करने दे, हमें उस राक्षस के बारे में पूरी जानकारी होगी तभी हम उसे पकड़ पाएंगे। अरे मनी मेरी बात तो सुन। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ क्या बोलना है। हाँ तो आखिर तू क्या जानता है क्या बोलना है, क्या खाक जानता है? मैंने सोचा कि जिंदगी में मैंने जो कुछ खोया उसे पाने में तुम मेरी मदद करोगे, पर अगर मदद ऐसी है तो नहीं चाहिए। क्या नाटक है ये? फेसबुक, व्हाट्सएप, मोबाइल, कैमरा, ट्विटर, टिकटॉक। तुम्हें लगता है टेक्नोलॉजी तुम्हें इंटेलिजेंट बना रही है, पर वो तुम्हें अपंग बना रही है। यार एक छोटे से काम के लिए इतना झंझट। स्कूल के दिनों में जब दोस्तों से मिलने का मन करता तो हम साइकिल से कितनी दूर तक जाते थे, भूल गया? अच्छा मणि, मुझे इस बात का जवाब दे, जब 7 बजे का मैच होता था तो हम ग्राउंड पर कितने बजे पहुंचते थे? 6 बजे पहुंच जाते थे। हाँ, लेकिन अब घर पहुंच गया #, तू कहाँ है #, मीटिंग कैंसिल #, व्हाट्सएप #, अरे बाथरूम में बैठा उसका भी #।
अच्छा हलकेट, फेसबुक पे कितने फ्रेंड्स हैं तेरे? 4000। अगर कल तू बीमार पड़ गया ना तो इनमें से एक भी नहीं आएगा। फेसबुक पे लिखते हैं हैप्पी बर्थडे मम्मी और उन्हें भेजते हैं ओल्ड एज होम। तुम लोग किस मिट्टी के बने हो यार? क्या तुम सबका प्यार मर चुका है? जिस लड़की से कभी मिले नहीं, उसे देखा नहीं, उसके साथ रात भर चिट चैट चैटिंग करते रहते हो, पर माँ ने अगर बाजार भेजा तो बोलोगे टाइम नहीं है। क्यों? क्योंकि वही तुम्हारी असलियत है। इस तरह सच का सामना करने में तुम्हारी फटती है ना। झूठे दोस्त, झूठे लोग, झूठी शान, झूठी जिंदगी, तुम्हारी तो पूरी की पूरी दुनिया झूठ की नींव पर टिकी है। सर जरा अपनी वाइफ का फोन नंबर बताना। हाँ, फोन मत निकालना, बिना देखे फोन नंबर बता सकते हैं? 19 साल पहले का इसका लैंडलाइन नंबर मुझे आज भी याद है, 8214567। क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग में छप चुका है। तुम्हारा दिमाग तो मोबाइल में है। अगर गलती से मोबाइल की बैटरी गई तो तुम्हारी जिंदगी की बैटरी गई। ऊपर वाले ने दिमाग दिया, कब यूज करोगे? मणि तू टेंशन में था ना, तेरा बेटा बोलता नहीं है। क्यों बोलेगा, किससे बोलेगा? क्योंकि उससे कोई बात ही नहीं करता। मैंने बात किया उससे, एक बात मेरी समझ में आ गई, ये 19 साल तक मैं कोमा में नहीं था, तुम सब लोग कोमा में थे। अरे अब भी वक्त है, उठ जाओ। एक बात तो समझ में आ गई कि हम धर्मा को टेक्नोलॉजी से मात नहीं दे सकते। पिछली बार कैमरा लेकर गए थे, उसने हमारा ही मजाक बना दिया, पर इस बार कुछ हट के सोचना पड़ेगा। कब से ये घटिया चीज डिस्टर्ब कर रही है? दुनिया को बर्बाद करने के बाद आज मुझे बर्बाद कर रही है। मैं जब भी कुछ बोलने जाता हूँ तो कहती है उठा लो उठा लो। इतनी घटिया चीज है ये। सुबह को बजती है, दोपहर को बजती है, शाम को बजती है, रात को बजती है, दिन भर 24 घंटे बस सर पर बजती रहती है। ये मोबाइल नहीं है, एक बहुत बड़ा शैतान है, इससे हमारा जीना हराम कर दिया है। अगर इसे छुटकारा पाना चाहते हो तो तोड़ दो इसे, तोड़ दो अभी के अभी, जब तक ये रहेगा चैन से नहीं जी सकते। तूने अपने मोबाइल को क्यों तोड़ दिया? ये तो क्या बोल रहा है रवि, तूने उकसाया तभी तो मैंने तोड़ा। हाँ मैंने बोला, पर मैं सारे मोबाइल को लेकर बोला था, तूने क्यों तोड़ा? ये तोड़ने के पहले बोलना चाहिए था। आज एक बात तो साबित हो गई कि इतने दिनों के बाद भी तुम लोगों को मुझ पर भरोसा है। मणि अब धर्मा के खिलाफ हम इसी भरोसे को हथियार बनाएंगे। ऐसे क्या देख रहे हो, अब भी नहीं समझे? ओह इनकी दिमाग की बत्ती कैसे जलाऊं? जिस टेक्नोलॉजी की तुम लोग गुणगान करते हो ना, वो हमेशा बदलती रहती है, लेकिन जिस इमोशंस के साथ हम पैदा होते हैं, जैसे खुशी, दुख, गुस्सा, प्यार, ये सब चीजें कभी नहीं बदलती। हम सब की माँ चंदा मामा दिखा के खाना खिलाती थी, आजकल की माएं मोबाइल में कार्टून वीडियोस दिखाकर खाना खिलाती हैं, पर खाना खिलाना कभी बंद नहीं किया। उनकी ममता में कोई बदलाव नहीं आया। उसी तरह कुछ चीजें कभी नहीं बदलती, 24 कैरेट सोने की तरह, वैसे ही जैसे कि मैं राजा हूं। वाह, आज मुझे पता चला कि मेरी वाइफ ने तुझे क्यों चुना था। आई एम रेडी। धर्मराज कहां जाता है, क्या करता है, कब आता है, उसका पता लगाने के लिए हमें कैमरे की जरूरत नहीं है। अब हम खुद जाएंगे और पता लगाएंगे। एक वॉचमैन जब दूसरे वॉचमैन को देखता है तो उसे लगता है कि ये उसका दूर का रिश्तेदार है। हमें उस वॉचमैन का भरोसा जीतना होगा, उसे किसी तरह हंसाकर। अगर मैं उसके सामने गया तो भांडा फूट जाएगा। तो डॉक्टर तेरा क्या होगा कालिया? तुम्हें कुछ करना नहीं है, बस किसी बहाने उस तक पहुंचना है, फिर उसे एक जोक सुनाना। जैसे ही तुम जोक सुनाओगे वो खच्चर की तरह हंसना शुरू कर देगा और पोपट की तरह बकना। कौन सा जोक? सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, दिलीप वेंगसरकर। पहला प्लान तो कामयाब हो गया, अब उसी वॉचमैन के पास दोबारा जाना। भांडा फूट जाएगा यार। करेक्ट, उसका इलाज है अपना शेर। हाँ शेरो, संभाल के। हाँ हाँ, अरे अरे उधर इधर इधर। क्या भाई साहब, गर्लफ्रेंड नहीं मिली क्या? कुत्ता घुमा रहे हो? कुत्ता गर्लफ्रेंड का ही है। वैसे आपके साहब से मुलाकात नहीं हो पाई, बहुत बिजी है क्या? पर भाई साहब तुम कब आए थे? मैं तो आया था कल सुबह 7 बजे, पर वो तो सुबह 6 बजे ही निकल लिए। भी कोई निकलने की उम्र थी? अरे नहीं, मैं उनके जाने की बात कर रहा हूँ। मैं उनसे मिलने कल 4 बजे आऊँ क्या? कल 3 बजे वो वीनस मैदान में लोगों को टोपा पहनाने जा रहे हैं। वीनस ग्राउंड। दो चैनल
भूल गया क्या? अबे दूध नहीं डाल सकते तो कम से कम पानी तो डाल। अबे पैसे तेरे बाप ने दिया है क्या? क्या बोल रहे? इस पागल हो गया क्या? शांति शांति, नीचे उतर तू। कुत्ते की मौत मरेगा काले दिल वाले, चील कौवे नोच खाएंगे करूंगा उनके हवाले। चिंगुर सुन ले, तुझे मरने से कोई नहीं बचा सकता, तेरी बलि जरूर चढ़ेगी। जिन चमचों के बल पे उछल रहा है वही तेरा टेटुआ दबाएंगे। ध्यान रखना, जितने भी तूने पाप किए हैं सर्विस टैक्स जीएसटी लगा के तुझे ही वापस मिलेगा, तेरी नैया खेवैया ही डुबाएगा। क्या चंडू, यकीन नहीं हुआ? कल जब यमराज आएगा तो खुद पता चल जाएगा। अगर तू अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता है तो रुद्र के मंदिर जाके शिव से भीख मांग, तेरा खेल खत्म हो चुका, तेरा नामो निशान भी मिट जाएगा। वहम के बीच से उपजा पौधा डर का। धन्यवाद। अब वक्त है उसके वहम के पौधे पर पानी डालने का। अबे बिल्ली बिल्ली रोक रोक रोक। कल तेरा आखिरी दिन है। ए, ए, रुक, 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 पकड़ो, बैठ रहे। अरे तुम लोग भूखा क्या करो, जाके पकड़ो उसे। अरे शहर में स्वयंवर हो रहा है, चलो चलकर किस्मत आजमाते हैं। बहुत हंसी आ रही है, गाड़ी चला। सीट बेल्ट काम नहीं करती। बस यही सीट बेल्ट काम नहीं करती। अरे लेफ्ट ले, लेफ्ट नहीं, 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 राइट से निकालता हूँ। नहीं नहीं लेफ्ट ले, लेफ्ट लेफ्ट। अरे लेफ्ट बोला ना भाई, लेफ्ट और राइट के चक्कर में ट्रक ऊपर से निकल जाएगी। अबे चुप कर पनौती, जब भी बोलता बकवास करता है। अरे लेफ्ट ले, अरे रास्ता ये तो चल मार रहे। अरे लेफ्ट ले ना। किधर जा रही हो? सर हॉस्पिटल में और भी मरीज हैं। जल्दी आ जाना, डर लगता है। क्या है ये? दूध है भाई, तू पी ले। दूध नहीं पीता। अरे पी ले ना। उल्टी हो जाएगी भाई। क्यों? अगर लस्सी होती तो पी लेता। तो फिर मिला क्या रहा था तू? अबे मुझे नहीं पीनी, तुझे कितनी बार बोलूं? अजीब है, दारू हजम हो जाती है, दूध हजम ही नहीं होता। ए, तू पी ले। भाई मैं नहीं पीता। तुझे क्या हाई ब्लड प्रेशर है? भाई मेरे को इस पे भरोसा नहीं है। अबे कल दारू तो मेरे भरोसे पी गया। अबे फ्री का माल था, फ्री का माल कभी नहीं छोड़ता। मेरी माँ मरने से पहले बोल के गई थी, दूध को छोड़ के तो ये भी तो फ्री लेना। बोल मत, यही काट डालूंगा। जा बे, तेरी औकात नहीं है, मुझको काटने चला, चल बेटा। चिंगुर बोलता चल केकड़ा है ये। अरे इसको बोले से छोड़ दिया। तुम लोग का चक्कर में साहब को सेब भी नहीं मिल पा रहा है। डिस्चार्ज। अबे ये कुत्ता क्यों भौंक रहा है? जरूर कुछ लोचा है। लगता है कोई मरने वाला है। आ, 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 आ,
कमीने ने पेमेंट नहीं दिया, लगता है कि इसका मॉडल कर दूंगा। मेरा तो बहुत बाकी है। बात कमीना है, यही खत्म कर। हाँ, इसको मार दे। तुम सही कह रहे हो भाई, मेरी बच्चे को क्या मार रहे हैं। मत तो करता है इसका टेक वाला बात। क्या हुआ भाई? क्या बात है? तुम लोग मुझे इस तरह घेर के क्यों खड़े हो भाई? हाथ में हथियार भी है, क्या बात क्या है भाई? आपकी जान को खतरा है। मेरी जान को खतरा? खतरा सिर्फ तुम लोगों से है भाई। क्या कर रहे हो? दिखाता हूँ, ये देख किसने मार किया ये। भाई घबराइए मत भाई, मैं आपके लिए मंदिर से प्रसाद लेके आया हूँ, ये देखिए। प्रसाद में ब्लेड किसने डाला? ये तेरी जेब में ब्लेड कैसे आया? मतलब तूने ही वो ब्लेड मारा? अरे अरे मैंने नहीं मारा, अरे मैं क्यों मारता? वो मेरा बॉस है, खाली पेमेंट टाइम में नहीं देता, बाकी मेरा बॉस है वो। मेरी बात मान, मैं परफेक्ट चमचा हूँ उसका। अरे मैं इनका परफेक्ट चमचा हूँ, मेरे जैसा चमचा तो किचन में भी नहीं मिलेगा। कल तेरा आखिरी दिन है। मेरे को इस पे भरोसा नहीं है। तू ज्यादा बोल मत, यही काट डालूंगा। तुझे मरने से कोई नहीं बचा सकता। मेरे को इस पे भरोसा नहीं है। रुद्र के मंदिर जाके शिव से भीख मांग। जो डर गया वो मर गया। भाई ये धोखेबाज है। देखो मुझे आज किसी में भरोसा नहीं रहा। तुम लोग जाओ यहाँ से, जाओ जाओ। भाई आपकी फट रही है ना? हाँ लग तो रहा है। मेरा तो चिथड़ा हो गया। कम से कम एक हफ्ते के लिए जाओ, सब लोग मौज मस्ती करो। जाओ भाई जाओ, जाओ ना यार, भागो। अरे कालू बात सुन, रुद्र जी के मंदिर जाना है, जाने की तैयारी कर। बाप रे, राहु काल शुरू होने से पहले वो मंदिर के लिए घर से रवाना हो जाएगा। 4 बजे वॉचमैन चला जाएगा। अच्छा टॉनिक का टाइम हो गया, मैं जरा चढ़ा के आता हूँ। हम ठीक उसी टाइम घर में घुसेंगे, लेकिन बाहर वॉचमैन को रोके रखेंगे। लेकिन रोके कैसे? अगर मुझे गाली ना दो तो मैं एक आइडिया दे सकता हूँ। हाँ बोलो चंपा भाई। चंपा गोरी कमर छुपा लो, नजर लग जाएगी। वो अपनी बेसन में जवानी का तड़का मिलाएगी। ए, अगर घर में उसकी माँ या और उसकी धर्म पत्नी रही तो फिर क्या बोलते नागराज? कोई ना कोई जरूर होगा। मतलब? मतलब ये कि हम रहेंगे उनका दूर का रिश्तेदार बनके। क्या? चाहे टॉयलेट क्लीनर हो या पोस्टमैन, उन्हें हम दरवाजे से ही भगा देते हैं, पर मेहमानों का स्वागत फल और फूल से करते हैं। पहचाना बेटी, मैं त्रिलोकीनाथ सदा सुखी। भले ही उन्हें ना पहचाने, लेकिन घर के अंदर जरूर बुलाते हैं और गर्मा गर्म चाय भी पिलाते हैं। हाँ ले आओ पी लेंगे। माँ ये कौन है? मुझे क्या पता, अब जब घर आ ही गए तो पहचान वाले होंगे। तो मैं, मनी, निकिता और डॉक्टर, हम सब साथ में उसके घर जाएंगे। मैं भी साथ चलूं? कल वहाँ अगर कोई गड़बड़ हुई तो हम सब जेल में रहेंगे। बेल कराने के लिए कोई ना कोई तो होना चाहिए, इसलिए सॉरी तुम नहीं आ सकती। भाई कल ऑफिस में इम्पोर्टेंट मीटिंग है, ये सब तू अकेले मैनेज कर ले। ए, चूहे जैसा डॉक्टर नहीं डर रहा है और तू हाथी होके डर रहा है? तो ए सिक्योरिटी, मैं मंदिर जा रहा हूँ, घर का ख्याल रखना। बेवड़ा। ओके सर। मौसम विभाग का कहना है कि 2 दिन तेज बारिश होगी, जरूरत हो तभी घर से बाहर निकले, वरना आपकी जिंदगी की गाड़ी कहीं अटक सकती है। टॉनिक का टाइम हो गया। अगर वहां सीसीटीवी कैमरा हुआ तो? अरे मिर्ची रानी, नई दुकान? बारिश में ढाबा बह गया रे, अब भजिया बेचना पड़ रहा है। नमस्ते, हमें पहचाना? नमस्ते। 20 सालों तक माँ नहीं बन पाई। आप लोग? तुम्हारे दूर के रिश्तेदार, मुझे भूल गई क्या? जब पाव किलो की थी तब देखा था, अब तो डब्बा हो गई हो। ओ, तो
तुम तो आप धर्मा भैया की पत्नी है ना, पता नहीं उस दिन हॉस्पिटल में आपको कैसे नहीं पहचान पाया। मामा जी शादी की पुंगी बजाइए ना। हम यहाँ शादी का निमंत्रण देने आए हैं। अंदर आइए ना। आइए आओ गृह प्रवेश कर लो। अरे क्या हो गया, क्या हो गया? देखो बहुत ही अच्छा वॉचमैन था। लू लग गई। लू लग गई है? अरे बारिश में लू कैसे लग सकती है? डॉक्टर मैं की तू ज्ञान मचा लेके चल। हाँ चलो चलो उठाओ उठाओ। बैठिए। धर्मा भैया नहीं दिखाई दे रहे? उसे भी पाव किलो के टाइम ही देखा था। अब वो ठीक है, बाहर गए हैं। आप रुकिए मैं फोन करती हूं। अरे मैंने उन्हें क्यों परेशान करी, अभी तो बात हुई थी। कह रहे थे किसी खास पूजा के लिए मंदिर जा रहे हैं। हम गांव से आके सीधा गब्बर सिंह चाचा के यहाँ गए, फिर वहाँ से हमारी फूफी रानी बसंती के यहाँ गए, और उसके बाद में सांबा से मिले और कालिया मामा से भी मिलकर आए। सांबा कह रहा था कि कम से कम 50,000 लोग शादी में आने वाले हैं, आपको पर्सनली इन्वाइट करना था ना। इतनी जल्दी बुढ़ापा आ गया? असल में तो मैं ऐसा ही हूँ, उस वक्त डाई करवाया था। हेलो हेलो भाई, जल्दी से पार्टी ऑफिस पहुंचाइए। क्यों पहुंचाऊं, क्या हुआ? पार्टी की जरूरी मीटिंग आ गई है, जो मीटिंग अटेंड नहीं करेगा उसे पार्टी से निकाल दिया जाएगा। जल्दी आइए। मेरी पार्टी मुझे निकालेंगे? उनसे क्या रिश्ता है? उनका मामा हूँ मैं। आपका तो पता है, इनसे पूछ रही हूँ। मैं उनके चाचा का बेटा। हाँ लेकिन उनके तो कोई चाचा नहीं है। ओरिजिनल नहीं, दूर के, डिस्टेंस वाले चाचा। दूर के? 500-600 किलोमीटर दूर के। आपको याद? मुझे याद नहीं। आपके पापा भी बिल्कुल ऐसे ही थे, पहले भूल जाते थे और फिर रिश्तेदारों पर शक करते थे। वो तो ठीक है, पर आप सबको एसी में भी पसीना आ रहा है। हम तो बूढ़े हैं, तुमको क्यों आ रहा है? मैं तो प्रेग्नेंट हूँ ना। अंदर पसीने की फैक्ट्री है ना हमारे। हाँ चर्बी काफी बढ़ गई है ना, किडनी में शुगर है दोनों। अच्छा? के जलेबी की तरह राउंड मारेंगे तो ठीक हो जाएंगे। चलिए मामा राउंड मारिए। चलिए आइए, मैडम बहुत तेज बारिश हो रही है, बाहर मत निकलिएगा, पूरे एरिया में पानी भर चुका है, सब डूब गया है। कीमती सामान को लॉक कर दीजिए और गैस चूल्हा जो कुछ भी है सब बंद कर दीजिए। आपने सब चेक किया है ना? नहीं पर कर लूंगी। पक्का आप चेक कर लेंगी ना? हाँ पक्का। ठीक है दरवाजा बंद कर लीजिए। भले ही हमें पूरा यकीन हो कि हमने दरवाजा लॉक किया है, पर अगर हमसे कोई पूछे कि दरवाजा लॉक किया है तो हम उसे एक बार जरूर चेक करते हैं। आप लोग बैठिए मैं अभी आती हूँ। हाँ 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 किसी तरह उसका ध्यान भटकाओ, मैं मूर्ति का मौका मिलते ही निकल रहा। वैसे शादी किसकी हो रही है? इनकी बेटी हो रही है। करेक्ट, मेरी बेटी की। ये दोनों उसको अपनी बेटी की तरह मानते हैं ना। इनकी शक्ल आपस में इतनी मिलती है कि मुझे कभी कभी शक होता है कि दोनों जुड़वा बहने तो नहीं है। तुम्हारी बेटी है? नहीं तो क्या आपकी? कुछ गैस की बदबू आ रही है ना। हाँ यार नहीं तो। अरे आपकी नाक बंद है, सिलेंडर फट जाएगा, जाइए जल्दी। देखकर आके साथ-साथ हम भी टोस्ट बन जाएंगे। निकलते मैडम, रुक जाइए। निकिता तुम जाओ।
नजदीक मत आना। निकिता जाओ प्लीज मैडम, हमारी बात सुनिए, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। प्लीज मैडम एक बार मेरी बात सुन लीजिए। प्लीज मैडम बात तो सुनिए। दिमाग खराब हो गया क्या? मुझे अपनी बीवी से बात करनी है। नहीं सर, आई एम सॉरी। ठीक है मैं जाता। सर सर सर, आप बाहर नहीं जा सकते, बॉस का ऑर्डर। शादी होकर 20 साल बीत गए, फिर भी मुझे औलाद नहीं मिली। अब जाके मेरी बीवी पेट से हुई है, अगर उसके साथ कुछ भी गड़बड़ हुई ना, तुम सबको काट डालूंगा। छोड़ो, उस दिन आपने कहा था ना कि भगवान में विश्वास रखो तो सब ठीक हो जाएगा। उससे भगवान की कसम खा के कहता हूँ, आप ये मूर्ति मुझे दे दीजिए, ये मेरी है, मेरे पूर्वजों की अमानत है। मुझे ये सब कुछ नहीं पता, जो भी बात करनी है मेरे पति से कर लेना। देखो तुम लोग जाओ यहाँ से, वरना मैं पुलिस को फोन करूँगा। अरे मैंने बोला ना, मेरा हाथ। अपनी औलाद को ये कहानी सुनाना, बहुत गर्व होगा उसे। 19 साल पहले तुम्हारे पति ने किसी मासूम लड़के की हंसती खेलती जिंदगी छीन ली। 19 साल से वो कोमा में एक जीते जागते लाश की तरह पड़ा रहा। ये भी बताना अपने बच्चे को कि उसका पिता एक नंबर का लुटेरा था। हेलो शांति, कुछ बताना था। मैडम सुनिए, यहाँ दो लोग हैं। मैडम शांति, मैडम अभी चल जल्दी, कहाँ सोच रहा है, चल भागते हैं यहाँ से। ए, इसको हमारे बारे में कुछ नहीं पता है, अगर धर्मराज आएगा ना तो वो भी हमें ढूंढ नहीं पाएगा। चल जल्दी यहाँ से। अरे चलो यार, अरे छोड़ उसको, चल कुछ नहीं होगा, चल। अरे पागल, चल जल्दी। क्या सोच रहे हैं? अरे चल यहाँ से। अगर आज उसे छोड़कर चले गए तो इंसानियत मर जाएगी। नहीं चाहिए मुझे मूर्ति। अगर आज उसकी जगह सुरभि होती तो। मैडम मैडम, हम लोग आ गए, आपको कुछ नहीं होने देंगे मैडम, उठिए आप। अरे तुम वो क्या देख रहे हैं, जाओ ऑटो बुला जल्दी कर। भारी बारिश के कारण लोग बेहद परेशान हैं, जो जहां है वहीं अटक गया है, ना इंटरनेट चल रहा है ना एटीएम, लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। इस उम्र में 9 महीने सस्टेन करना बहुत ही मुश्किल है, इनका बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। हाँ एक और बात, कि आगे कभी भी लाइफ में ये माँ नहीं बन पाएगी। अरे यार बारिश की वजह से कैब और उबर दोनों बंद है और सिग्नल भी ब्रेक हो रहा है। बोला था, हेलो वो तेरा मोबाइल। ऑटो ऑटो, अरे भाई साहब, भाई साहब अर्जेंट हॉस्पिटल जाना है। अरे भाई देख नहीं रहे हो क्या, तेज बारिश की वजह से सारे रोड ब्लॉक हो चुके हैं, मैं नहीं जाने वाला कहीं पे भाई। उसके पेट में बच्चा है भाई, आराम से प्लीज, प्लीज मदद कीजिए। ठीक है आप उन्हें ले आइए, मैं ले चलता हूँ आपको। शुक्रिया भाई, जल्दी भाई आराम से कीजिए। तू जा, मैं देखता हूँ, जा जा। ये देखिए, मुझे महसूस हो मैम, आप घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना। आप हिम्मत रखिएगा मैडम, हम जल्दी पहुंच जाएंगे। ऐसा क्या ये एमएलए धर्मराज जी के पति? हाँ भैया वही। संभाल के चलाना। शांति तू ठीक है ना? हिम्मत रखिए मैम, हिम्मत। मैडम कुछ नहीं होगा मैडम, ये स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा? स्टार्ट कीजिए भाई साहब, फंस गए भाई साहब, गाड़ी स्टार्ट कीजिए। बर्दाश्त नहीं हो, मैं नहीं बचूंगा। एक बात ध्यान से सुनो, अगर तुम्हारे सामने कोई रोए या फिर तकलीफ में हो तो हमेशा उसका साथ देना, कभी उसे अकेला मत छोड़ना, प्यार से उसका हाथ पकड़ना और उससे कहना कि तुम घबराओ मत। मैडम मैडम आप घबराइए मत, आपको कुछ नहीं होगा, मैं हूँ मैम, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा, आप डरिएगा नहीं, हम लोग जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाएंगे, मेरा यकीन कीजिए मैम। हाँ मैम, हे भगवान मेरी मदद कर।
दुनिया में इंसानियत की कोई कीमत नहीं होती भाई, चलता हूं। भाई आपका नाम क्या है? इंसान। अगर सारे इंसान ऐसे हो जाएं तो दुनिया स्वर्ग बन जाए। मुझे बोल रहा है, बोल रहा हूं। क्या हुआ? आपकी बीबी को ग्लोबल हॉस्पिटल लेके गए। ग्लोबल हॉस्पिटल? अभी अभी कोई प्रेग्नेंट औरत आई है? हाँ वहाँ। कौन लाया तुम्हें यहां हॉस्पिटल में? नहीं जानती, मैं तो होश में ही नहीं थी। भगवान का रूप लेकर एक इंसान है जिसने मेरी मदद की। बहुत दर्द हुआ पर उसने कहा मैं हूं ना। वो फरिश्ता नहीं आता तो हमारा बच्चा नहीं बचता। भगवान ने मुझे नया जीवन दिया और मेरे बच्चे को भी। आ,
हाँ, हॉस्पिटल पहुंचा दे। पेशेंट को आप लेकर आया है ना, बिल भरना पड़ेगा, ये लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, भले ही हमारे बीच गलत फहमियों की वजह से कितनी भी दूरियां क्यों ना हो, मुसीबत में हम एक दूसरे का हाथ थाम ही लेते हैं। गीता, कुरान, गुरु ग्रंथ, बाइबल हमें एक ही चीज सिखाते हैं, इंसानियत। क्योंकि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। मेरी सोच गलत निकली, दुनिया में इंसानियत आज भी जिंदा है। टेक्नोलॉजी ने भले ही हमें दूर कर दिया हो, लेकिन कोई भी मुश्किल आने पर हम मिलकर एक हो जाते हैं। इसलिए हमें सिर्फ एक ही राह पर चलना चाहिए, इंसानियत की राह पर। यह खानदानी मूर्ति ही हमारी पहली और आखिरी उम्मीद थी। सॉरी, मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सका। लोन एजेंट ने तेरी बहन का जीना हराम करके रखा है। रवि भाई, रुक जाओ। क्या हुआ? आपके नाम का चेक है। कितने का है? 5 लाख। YouTube चैनल से है। बकवास, वीडियो पे 5 लाख? पब्लिक आपके वीडियो पे फिदा हो गई है। कौन से वीडियो पे? ये देखो। वो नंबर मेरे दिमाग में छप चुका है और तुम्हारी मेमोरी मोबाइल के अंदर। ये कब किया तूने? ये टॉप सीक्रेट मिशन है, किसी को बोलना नहीं। जेम्स बॉन्ड बोल सकता है, मैं नहीं। बीमारी की तरह वायरल हो गया, 2 मिलियन फॉलोअर्स। तुम तो यूट्यूब पर छा गए बॉस, तुम तो हीरो बन गए। उस दिन के बाद फटी चादर वाली मेरी जिंदगी मखमली बन गई। उसके बाद तो मैंने कई बकवास वीडियोस अपलोड किए, पब्लिक को पसंद है ना। दोबारा लोन लेने जरूर आइएगा। सामने देख। आप उनकी जिंदगी अब झकास है बॉस।